इलाके में गया, वहां चतुर्वेदी को नॉट चतुर्वेदी चतुर्वेदी को मैं आगे जुमला नहीं बोल रहा हूं, आप समझ लो इसकी औकात बंगाल वालों ने दिलाई कि वाकई तू चतुर्वेदी है। वो हमसे कह रहा है अब मैं आप अदब के साथ बैठी है सब लोग, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अपने आप को भी लड़की बना रहा है और मेरा अनाउंसमेंट अब मैं आपके सामने मैं मौलाना जगजीत चतुर्वेदी को बुलाती हूँ। क्या इन लोगों को माइक पकड़ा दिया गया? आप हंस रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त, देखिए क्या बना रहा है मौलाना जगजीत, जर्जीस भी नहीं मौलाना जॉर्जीस, कहां से खींच कर लाए गोल जॉर्जीस, लग रहा है पता नहीं हम वहां से नागालैंड से आ रहे हो। मौलाना जॉर्जीस आएगी तकरीर फरमाएगी। मैंने पूरी तकरीर की और फिर वो लोग जब गाड़ी पे हमें छोड़ने गए ट्रेन में दूसरे दिन सुबह ट्रेन में, तो उधर भी मजा। अब हम कोई चलो अब जैसी गाड़ी खल हमसे कहते हैं ढुकिन दादा ढुकिन ढुकिन ढुकिन, हमने क्या गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से घुस गया, मैंने कहा ये ढुकिन ढुकिन क्या होती है, ये ढुकिन ढुकिन गाड़ी खुल गया। और मैं जल्दी से चढ़ गया गाड़ी में चलती हुई। अब वो बाय बाय टाटा होने लगी, कहता मौलाना साहब हाँ आइंदा साल फिर आएगी। हमने कहा ऑपरेशन करा के आएगी अब। तो जब बंगाल वालों ने कहा उसको लाल गोला वालों ने कि अगले साल फिर आएंगी, तो इसने कहा ऑपरेशन करा के आएंगी यानी औरत बन के आएंगी। अब जब बंगाल आए तो पूछना ऑपरेशन करा ली बन के आ गई तू मोहतरमा, किससे निकाह करना है तेरा, अब जींस तो बदलवा ली तूने। ये असल में मामला क्या है, बहरहाल आप हंस रहे हैं, मेरा मकसद हंसाना होता नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तकरीर संजीदा ही रहे, लेकिन हालात ऐसे हैं, मजबूरियाँ ऐसी हैं कि इनकी असल शक्ल दिखाने के लिए आपके फहम और अक्ल और इदराक के हिसाब से मुझे वीडियो दिखानी पड़ती है। ज़्यादा हाई फाई लेवल की तकरीर यहाँ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि एक तो ज़बान का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग बंगाल के आप उतनी उर्दू गाड़ी उर्दू नहीं समझते या उतनी बड़ी बातें नहीं समझते, तो मैं बहुत हल्के लेवल में बात कर रहा हूँ। क्या आप कम से कम ये समझ लें कि ये अल्लाह की मार है कि जिसने बुजुर्गों का मजाक उड़ाया अल्लाह ताला ने खुद उसकी जबानी उसका मजाक बना दिया, ये अल्लाह की मार है। और दुनिया में मजाक बना है, खुदा की कसम आखिरत में भी इसका मजाक बन जाए। तो सिर्फ दो रास्ते हैं मौलवी जर्जिस के लिए, पहला रास्ता या तो किताब दिखा दे हमें, और किताब नहीं है तो तौबा कर, मगर अंदाज़ा लगाइए क्योंकि ये इबलीस के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ, बहुत प्यारा जुमला है, इसको गार्ड बांध के रख लीजिए, अगर हमसे गलती हो जाए ना हमारे उलमा टोके कि भाई ये गलती आपसे हो गई, अगर वाकई वो गलती है, वाकई अगर वो गलती हो, तो अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत में ये तौफीक रखी है कि हमारे उलमा हमारे मुकर्ररीन हमारे खतीब गलती वाज़े होने पर और गलती का पता चल जाने के बाद और गलती साबित होने के बाद तौबा से पीछे नहीं हटते। वजह यह है कि याद रखिए गलती पर तौबा करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और गलती करके अड़े रहना ये इबलीस का तरीका है। हम बरेली वाले हैं, तौबा बरेली में सिखाया जाता है, और गुनाहों पे अड़ना ये देवबंद और थाना भवन में सिखाया जाता है। ना अशरफ अली थानवी ने तौबा की, ना गंगोही ने तौबा की, ना नाना तवी ने तौबा की, गुस्ताखियाँ करते रहे, किताबों में ऑल फॉल बकते रहे, लिखते रहे। ये हिफ्ज़ुल ईमान में मौली अशरफ अली थानवी ने लिखा कि रसूल का इल्म गैब ऐसा है जैसे जानवर और पागलों का इल्म, माशाल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी के इल्म को जानवर और पागलों से तशबीह दी। और यही नहीं, एक भी ऑडियो दिखा देता हूँ, चलिए सुनी लीजिए वो अगर बात आ गई है। इस खबीस का नाम सुनाऊँगा, शायद ये इस तरह आता भी होगा, क्या नाम है इसका, ताहिर गयावी, सुना है आपने नाम, जरा देखिए ताहिर गयावी को सुन लीजिए। सुनिए क्या कहता है, ये नेट पर डली हुई है इसकी भी ऑडियो में तकरीर है, वीडियो में नहीं है। मैंने फोटो इसलिए लगाया कि इसकी शक्ल देख के इस खबीस को पहचान लो कि जहन्नमी कैसे होते हैं। जरा देखिए किसकी क्या तोहीन कर रहा है खबीस। और आज मस्जिदों का हाल यही हो रहा है, अब बच्चे ही नहीं बड़े बूढ़े जवान भी वहां शोर करते,
और शोर भी अजीब टाइप का शोर होता है, देखने में मालूम होता है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन वो अंदर से इंतहाई गलीस काम है। आजकल टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लोग बताते पाखाना पेशाब टेस्ट कराकर रिपोर्ट लाओ। तो अब जिसको पाखाना टेस्ट कराना है तो टेस्ट जहां होता है वहां जाकर पाखाना थोड़ी फिरता है, यहां पेशाब टेस्ट होता है वहां बैठकर पेशाब थोड़ी करता है, वो तो पोलोथिंग में बंद करके ले जाता है। अब ये पोलोथिंग में बंद है तो बेवकूफ आदमी नादान आदमी समझता है कि लगता है इसमें कोई हलवा हुआ जा रहा है। अभी तो पैक है ना, जब खुलेगा तब पता लगेगा कि खुशबूदार है कि बदबूदार है। इसी तरीके से कुछ चीजें देखने में मालूम होती हैं कि बहुत पैक है और बड़ा शानदार लेबल है इस पर लगा हुआ। ये शोर शराबा नहीं है, हंगामा नहीं है, लेकिन ये लेबल वाला जो प्लोथिंग है ये फट जाएगा कयामत में, और वहां जब इसका पोल खुलेगा तो इसकी बदबू महसूस होगी। ये जो मस्जिदों में दरूद और सलाम चीख चीख कर माइक लगाकर शोर हंगामा करके लोग पढ़ते हैं, देखने में मालूम होता है कि वो ये तो दरूद पाक है, हालांकि वो पाक नहीं है नापाक है। ये पोलोथिंग जब फटेगा कयामत में तब समझ में आएगा वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है। मस्जिद में जो आप दुरूद व सलाम माइक पर पढ़ते हो, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका, ये जो सलाम पढ़ते हो इसकी मिसाल कैसे देता है कि जब आदमी बीमार होता है डॉक्टर कहता है खून और पेशाब टेस्ट कराने के लिए लाओ, तो मरीज क्या करता है एक पॉलीथीन में प्लास्टिक की थैली में पेशाब और पखाना डॉक्टर के पास ले जाता है। पॉलीथीन प्लास्टिक की थैली बड़ी खूबसूरत होती है तो देखने वाले को लगता है कि इसमें कोई हलवा ले जा रहा है, जबकि उसमें क्या होता है पखाना गंदगी होती है। तो देखने में तो वो चीज़ अच्छी मालूम होती है लेकिन अंदर गंदगी। उसी तरह ये दुरूद व सलाम जो है देखने में तो बड़ा भला और अच्छा काम मालूम होता है लेकिन हकीकत क्या है कि ये नापाक, ये नापाकी है, गंदगी है, ये पेशाब पखाने की तरह ये खबीज़ जिंदा है अभी और कई साल से इसका रद्द हो रहा है, अभी तक इसने मुंह नहीं खोला ना तौबा की तौफीक नहीं है इस फिरके में। ये दुरूद व सलाम को पेशाब पखाने से मिसाल दे रहा है। बताइए ये लोग जो अपने नबी पर सलाम और दुरूद पढ़ने को पेशाब और पखाना बोले वो जमात वाले कैसे हक पर हो सकते हैं, भाई मुझे समझाओ आप। जबकि सिर्फ मैं दुरूद की फजीलत में एक हदीस सुनाता हूँ आपको। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया है, ख़ास फरिश्ता है, उसका नाम भी हदीस में आया है, 70,000 उसके पर है, जबकि एक आम फरिश्ते के पर इतने बड़े होते हैं कि अगर वो अपने परों को फैलाए तो ये हमारी दुनिया को ढाँप ले, छुपा दे। आम फरिश्ते के एक ख़ास फरिश्ता अल्लाह ने पैदा किया जिसके 70,000 पर है, 70,000 जबानें हैं, हर जबान से मुख्तलिफ जबान में अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करता है, तस्बीह पढ़ता है। सरकार कहते हैं जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, कितनी मरतबा, एक मरतबा मोहब्बत में डूब कर मुझ पर दुरूद पढ़ता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि नूर के दरिया में डुबकी लगा, गोता लगा, वो जाता है, एक नूर का दरिया है, वो फरिश्ता उसमें डूबता है, डुबकी लगाता है, बाहर आता है, अपने परों को झटकता है, परों से बेशुमार जिनकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, वो कतरे पानी के टपकते, हर पानी के कतरे से अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा करता है, और जितने फरिश्ते पैदा होते हैं वो अल्लाह की तारीफ और तौसीफ तहलील और तस्बीह में मशगूल हो जाते हैं। अब कयामत तक वो जितने फरिश्ते पैदा होकर अल्लाह की इबादत करेंगे, तारीफ और तौसीफ तस्बीह पढ़ेंगे, उन सब का सवाब हुजूर कहते हैं अल्लाह मेरे उस उम्मती के नामे आमाल में लिखता है जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ा था। अंदाज़ा है कोई आपको इसके सवाब का? कोई लिमिट नहीं है, आपके दुनिया का कोई कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता।
ये दुरूद व सलाम की बरकतें हैं। वक्त ज़्यादा है, मैं इबारत दिखाता, किताब दिखा देता हूँ, मेरे पास इसका स्कैन पेज भी है। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, जिनकी किताब है अखबारुल अखियार, 550 साल पहले के मुहद्दिस है। देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं, बरेलवी हम सुन्नी भी मानते हैं, इसलिए कि ये हिंदुस्तान में इल्म हदीस को लाने वाली पहली ज़ात है। ये अपनी किताब अखबारुल अखियार में दुआ करते और कहते हैं, अल्लाह मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसके बारे में मैं यकीन करूं कि तेरी बारगाह में कबूल हो जाएगा, इसलिए कि मेरे अमल में फसाद नीयत है, कमियां है, कोताहियां हैं, नीयत में खलूस नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल होगा या नहीं, लेकिन एक अमल ऐसा है जिसके बारे में मैं यकीन कामिल के साथ कहता हूँ कि वो यकीनन तेरी बारगाह में कबूल होगा, तेरी बारगाह से रद्द नहीं होगा, और वो अमल ये है कि महफिल मिलाद में मैं खड़े होकर तेरे महबूब पर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। और बड़े ताज्जुब की बात है, किताब छापी भी किसने, देख लीजिए स्कैन पेज ही देख लीजिए, चलिए अगर नहीं दिखाऊंगा तो शिकायत ना रह जाए, देख लीजिए सामने हाथ में ये ओरिजिनल किताब आपको स्क्रीन पे दिख रही है, छापा भी देवबंदियों ने, और तर्जमा ये फारसी ओरिजिनल किताब है, इसका उर्दू तर्जमा देवबंद के मौली ने किया, जिसका नाम है मौलाना मोहम्मद फाजिल दारुल उलूम कराची, और ये वो इबारत है जो मैंने आपको जबानी सुना दी, हटा दिया स्क्रीन से, दिखाइए स्क्रीन पे, दिखाइए, अच्छा चलिए स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, बहरहाल मैंने पढ़ के सुनाया आपको, स्क्रीन पे आया ही नहीं गया, हाँ कहाँ चले गए स्क्रीन वाले भाई, हाँ ये देखिए शुरू से दिखाइए, ये है वो किताब, अब अगर दुरूदो सलाम पढ़ना बिदअत है, दुरूद व सलाम पढ़ना गुनाह है, तो कोई माइका लाल देवबंदी मौलवी अगर उसकी माँ ने उसको जना है और वो हलाली है तो मुझे बताएं, आए और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस से दहलवी फतवा लगा के दिखाए, क्योंकि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस से दहलवी फतवा लगाऊंगे ना खबीस हो तो तुम्हारा कोई मौलवी नहीं बचेगा, सबका सिलसिले हदीस इन्हीं पर जाकर ख़त्म हो जाता है, और सबको छोड़ो तुम अपने घर के मुल्ला का क्या जवाब लाओगे। ये हाजी इमदादुल्ला साहब की किताब है कुलियात इमदादिया, कुलियात इमदादिया, इसमें चंद उनकी किताब है, जिसमें एक किताब है जिसका नाम है फैसला हफ्ते मसला, इसमें हाजी इमदादुल्ला, इनके बारे में बता चुका हूँ, हाजी इमदादुल्ला कौन है, अशरफ अली थानवी के पीर है, रशीद अहमद गंगोई के पीर है, कासिम नाना तवी के पीर है, ये सारे देवबंदी मुल्ला जो बड़े बड़े गुजरे उनके पीर साहब है, उनकी किताब है फैसला हफ्ते मसला, इसके अंदर वो खुद लिखते हैं कि मैं मीलाद की महफिल खुद घर में मुनक्किद करता हूँ, खड़े होकर सलाम भी पढ़ता हूँ और उसमें लुत्फ भी पाता हूँ, ये बिदती है तो फिर तुम्हारा कोई नहीं बचा, रहे महफिल मिलाद मनाते, ये वहाबड़ा बोलता है मिलाद आई कहां से, अबे तू कहां से आया, नबी की पैदाइश का दिन मनाना भी कोई हराम हो जाएगा। तो बहरहाल ये इनके अकीदे हैं और बदतरीन अकीदे हैं, गुस्ताखाना अकीदे हैं, यही वजह है कि हमारे उलमा, और अच्छा अल्लाह को भी नहीं छोड़ा, अभी तो मैं नबी की तौहीन बता रहा था, अगर खुदा की तौहीन बताने बैठ जाऊँ ना तो बहुत घंटे लगे, एक मौलवी को दिखा देता हूँ मुरादाबाद का, अभी अभी मरा, इसी साल मरा है खबीस, कोरोना में ही गया ये खबीस, कोरोना ने इसको निगल लिया, इसी साल मरा है, इसका नाम है अब्दुल मोमिन, जरा देखो जाहिल क्या कहता है, शराबी तो उसके अलावा कोई और नहीं बुलाता, जिनाकारों को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता, वो आसमान अव्वल पर आता है अपनी शान के मुताबिक और रोजाना आता है और अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदे जुमे के दिन शाम का वक्त मेरे मगफरत के लिए खास कर दिया है, उस मौके पर मांग लेना, अगर इस मौके पर भूल जाओ तो अगले हफ्ते मांग लेना, इस मौके पर भी भूल जाओ तो अगले हफ्ते मांग लेना, अगर ऐसा भी ना हो, रात में तहज्जुद के मौके पर मैं बड़ा करीब आ जाता हूँ और मैं खुद आवाज लगाता हूँ, हल मिन मुस्तफिर, है कोई जो अपने करतूत का हमसे माफी का लेने वाला हो और हमसे अपने गुनाहों की माफी कराने वाला हो। शायद आवाज बहुत इको में थी, समझ में नहीं आई, मैं बताता हूँ फिर एक बार और सुना दूंगा तब आपके समझ में आएगा, अपने लफ्जों में पहले बता दूं उसने क्या कहा, कहता है शराबी को उसके अलावा कोई नहीं बुलाता, किसके अलावा, अल्लाह के अलावा, शराबी को उसके अलावा कोई नहीं बुलाता, जिनाकार को उसके अलावा कोई और आवाज नहीं देता, वो रोजाना आसमाने अव्वल पर आ जाता है और आवाज लगाता है, हाय कोई हमसे माफी का तलब करने वाला, हमसे माफी मांगे, अगर इस हफ्ते मैं भूल जाऊं तो अगले हफ्ते आ जाए, यानी इनके नजदीक खुदा भी भूल जाता है, और फिर अगले हफ्ते भूल जाऊं तो उसके बाद वाले हफ्ते आ जाना,
और अगर दो चार हफ्ते में भूला रहूं और तुम्हारी बात पूरी ना हो तो फिर रात के वक्त तहज्जुद के वक्त मैं बिल्कुल नजदीक आ जाता हूँ, बंदे को कहता हूँ हाय कोई मुझसे मांगने वाला, उस वक्त मांग लेना। जिनके अकीदों के मुताबिक खुदा भी भूल जाता हो वो खुदा की कसम मुसलमान तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा रबा भूलने से पाक, भूलना ये ऐब है और अल्लाह ताला ऐब से, अरे उसकी बाखबरी का ये आलम है, उसकी बाखबरी का यह आलम है, ज़मीन में रेंगने वाले कीड़े को भी जानता है, ज़र्रे ज़र्रे को पहचानता है, ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ है। हमारे दिल में जो ख्याल आ रहे हैं, मेरे बाजू बैठे इनको नहीं पता मेरे दिल में क्या ख्याल है, इनके दिल में क्या ख्याल है मुझे नहीं पता, हम आसपास बैठकर एक दूसरे के दिल के ख्याल नहीं जानते, परवरदिगार हमारे दिलों के ख्याल से भी वाकिफ। और अगर अल्लाह ने आपकी मेरी उम्र 20 साल 25 साल 50 साल आगे रखी, 30 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ बैठूँगा, क्या सोच रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, 30 साल बाद किस जगह बैठकर मेरे दिल में क्या ख्याल गुजर रहा होगा, अल्लाह ताला उसको भी जानता है, उसकी बाखबरी का ये आलम। और वाबियों का अकीदा भूल जाता है अल्लाह ताला। और ये ऐसे जो खुदा को भूलने की बात करते हैं, ये हमसे पूछते हैं इसका सबूत दो, उसका सबूत दो। एक एतराज आया, इसके जवाब के लिए मैं एक वीडियो दिखा दे रहा हूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। इनका भी एक मौलवी मरा साहब, अभी खैर चलिए वो वक्त हो गया, जाने दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, दूसरी चीज दिखा देता हूँ मैं आपको जी। ये हमसे पूछते हैं कि भाई दिवाली, ये क्या नाम है, मिलाद मनाना कहाँ से आया, ये इतराज है। साहब ने मिलाद मनाया क्या? हालांकि एक बात सुन लीजिए, शरीयत का कायदा और उसूल यह है कि किसी चीज़ को नाजायज कहने के लिए दलील चाहिए कुरान और हदीस से, जायज़ कहने के लिए इतना ही काफ़ी कि शरीयत ने उसको मना नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद हदीस में हज़रत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अनु से रिवायत है, सुनाने इब्ने माजा की हदीस है कि सहाबा इकराम ने उर्दू से पूछा, या रसूलल्लाह पनीर खाने के बारे में क्या हुक्म है, सरकार दही खाने के बारे में क्या हुक्म है, और चमड़े का लिबास पहनने के बारे में क्या हुक्म है, दही नहीं घी के बारे में, घी होता है ना, घी खाने के बारे में क्या हुक्म है, पनीर खाने के बारे में क्या हुक्म है, और चमड़े का लिबास चमड़े का कुर्ता पहनने के बारे में क्या हुक्म है। हुजूर ने यह नहीं कहा जायज है ना जायज है, बल्कि हुजूर ने एक उसूल बयान किया, एक साप्ता बयान किया, और साप्ता यह दिया, कहा सुनो हर चीज के बारे में ना पूछा करो क्या है, जो अल्लाह के नज़दीक हराम है अल्लाह ने अपनी किताब में लिख दिया, बयान कर दिया, जो अल्लाह के नज़दीक जायज़ है वो भी बयान कर दिया, और जिस चीज़ के बारे में अल्लाह रसूल का कोई हुक्म मौजूद ना हो वो चीज़ तुम्हारे लिए जायज़ है। तो जायज़ होने के लिए इतना ही काफ़ी कि शरीयत ने उसको मना नहीं किया। तो जो कहता है मिलाद हराम है, उसको उस पर लाजिम है कि कुरान और हदीस से वो दलील दिखाए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि मिलाद मनाना हराम है, हदीस में कहाँ लिखा है। हालांकि हम ये दिखाने के लिए तैयार है कि सहाबा ने भी मिलाद मनाया है। ये अलग बात है कि ज़माना बदलता है तो तरीक़ेकार में बदलता है। पहले जिस तरह तकरीरें होती थी क्या आज भी वैसी हो रही है? सहाबा इकराम जिस तरह तकरीर करते थे, ऐसी स्टेज लगाए जाते थे, ऐसी कुर्सियां लगाई जाती थी, ऐसी स्टेज होता था? नहीं, वो ज़माने के जो तकादे थे, चबूतरे पर खड़े हो गए, खिताब शुरू हो गया, मैदान में लोग बैठ गए। आज ज़माना बदला तो लाइट भी लगे, रातों में जलसे हो रहे, माइक लगाए, स्टेज बदला, तो तरीका बदला है, लेकिन चीज़ असल क्या है? तकरीर करना चीज़ है, दीन की बात पहुँचाना। सहाबा इकराम ने कभी माइक पे नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए कि रसूल और सहाबा के दौर में कभी माइक था ही नहीं, लेकिन जब माइक आया तो हमारे उलमा ने कहा भाई माइक फ़ायदेमंद है, इससे आवाज़ बढ़ती है, और तकरीरों के लिए माइक इस्तेमाल मस्जिद में भी किए जाने लगे, अजान के लिए भी किए जाने लगे। अब कोई कहे कि भाई सहाबा इकराम ने तो कभी माइक इस्तेमाल नहीं किया, तो ये हिमाकत है पूछना। वजह यह है कि अजान का मकसद है आवाज़ दूर तक पहुँचाना, और ये काम ये लाउड स्पीकर कर रहा है। तो मीलाद का मकसद क्या है? नबी की पैदाइश का जिक्र करना, जश्न मनाना, खुशी का इजहार करना। तो अब जैसे तकाजे होते हैं उसके एतबार से खुशी का इजहार किया जाता है, जुलूस निकाल कर खुशी का इजहार होता है, महफिल मुनक्किद करके खुशी का इजहार होता है। तो तरीका बदलता है, लेकिन नफ्स मिलाद अपनी जगह जायज़ है। अब किसी में धमक हो तो नफ्स मिलाद को हराम करके बताए, लेकिन ये हम चला सवाल करते हैं मिलाद कहाँ है। लेकिन इनका एक यूपी में बहुत बड़ा मदरसा, देवबंद के बाद ये सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है यूपी में, और उसका नाम है दारुल उलूम जामिया अरबिया, और ये यूपी का इलाका है हथौड़ा। क्या नाम है इलाके का? ज़िला बांदा के पास है। वहाँ हर साल मदरसे के अंदर
जहां अल्लाह रसूल की तालीम होने का दावा है इनका, उस मदरसे के अंदर दिवाली का जश्न मनाया जाता है। और होता क्या है, आसपास के गांव के सब गैर मुस्लिम आते हैं, वो मदरसे के अंदर जहां कुरान और हदीस की तालीम होनी चाहिए वहां ढोल बजा के नाचते, और मदरसे के जो मौलवी साहिबान है वो उनको इनाम देते। आइए वो वीडियो देख लीजिए आप जरा उसका खुद ही। ये है वो मदरसा भाई, आज तक किसी दीनी मदरसे में देखा है आपने तमाशा? ये हर साल दिवाली मनाना कहां से आया मदरसे में? कोई माइकल लाल मुझे हदीस में दिखाए, कुरान में दिखाए। हम नबी का जश्न मनाएं, नबी के पे दुरूद पढ़ते हुए जुलूस ले जाएं, नबी पर सलाम पढ़ते हुए नबी के नारे लगाते हुए ले जाएं, तो तुम पूछते हो हदीस में है क्या? तुम्हारे मदरसे में डांस चल रहा है, ये हदीस में है क्या? अब ये हमारे बोलना कि साहब वो मौलाना लोग हैं, हमको क्या करना, हम थोड़ी करते। अरे तुम अगर मर्द के बच्चे हो, जिस फराग दिली के साथ हम पर फतवा लगाते हो, अपने मुल्ला पे फतवा लगा के दिखाओ। और देखो 5,000 और 5,500 रुपये और कई कई 100 रुपये इनाम देते हैं इन नाचने वाले। ये है सारे मौलवी, ये मौलवी हबीब नाम है और मौलवी नजीब, ये दोनों चंगू मंगू भाई है। वो बुड्ढा जो है साइड में जो खड़ा हुआ है ना राइट हैंड की तरफ, वो बड़ा है ये छोटा है, हबीब है एक नजीब है। और इनके बाप की कबर है जिसको ये अल्लाह का वली बोलते हैं, बहुत बड़ा हुआ। मुल्ला जी कितने खुश हो रहे, हिजड़े की तरह थाली भी बजा रहे। देखो ना ये सब शरीयत में जायज है इनके यहां। आज तक किसी देवबंद के किसी मुल्ला ने फतवा नहीं लगाया इस मदरसे के मुल्लाओं पर कि ये कहां से लाया भाई तुमने। औरतें भी देख रही है, मुल्ला भी देख रहे हैं, 5,000 रुपए दे रहे हैं नाचने वालों को, सब जायज है इनके। आइए कोई फतवा नहीं इनके मुल्लाओं का भी था। सर ये कितने सालों से कर रहे हैं, क्या है? बहुत सालों से, हमारे पिताजी के जमाने से जब से ये स्कूल कायम हुआ और ये लोग सब रहे, तो आसपास के गांव के जितने लोग हैं सब दिवाली के 2-3 दिन के बाद फिर यहाँ आते हैं और अपना एक त्यौहार का एक प्रोग्राम यहाँ मनाते हैं। और फिर उनको जिस तरह भी हो सकता है हर एक को कुछ इनाम दिया जाता है, किसी को सील, किसी को 5,000, 151, किसी को 551, इस तरह से सबको पैसे दे करके और सील से नवाज करके और उनको मतलब सबको जमा करके, इससे भाईचारगी बढ़ती है। इसलिए ये कार्यक्रम तो हर साल होता है, होता चला आ रहा है। तो ये पिताजी के जमाने से पिता चल रही है,
पिताजी बिदत करते करते मर गए। हर साल ये बिदत होती है, दिवाली के त्यौहार में आते हैं, भाईचारगी के लिए हो रहा है, तो इससे भाईचारगी होती है, गैरों से भाईचारगी है, और अपनों से क्या है कि जैसे ही नबी के नाम पर जुलूस निकाला, ये खबीस आके भाईचारगी का मुजाहरा नहीं करेंगे, फतवे लगाकर बिदत बताकर टुकड़े करेंगे कौम के, कौम को टुकड़ों में ये बांटते हैं। और नारा क्या है, फिरका वारियत की बात मत कीजिए, फिरके फिरके की बात मत कीजिए, फिरका तो तुमने बनाया, मुझे बताओ, मैं चैलेंज से कहता हूं, चैलेंज से कहता हूं, अगर मेरी बात झूठी निकले मुंह पे थूक देना, आपके इस इलाके का कट्टरवा भी ढूंढ के लाओ मुझे, कट्टरवा भी, जो तुम्हारे यहां इलाके का कट्टरवा भी मौलवी, और उससे पूछो कि तेरा बाप कौन था, सुन्नी था क्या वहाबी था, तो कहेंगे सुन्नी था, और खुदा ना खास्ता बाप भी अगर बदबूदार निकला तो दादा तो 100% सुन्नी निकलेगा। वजह यह है कि पहले सब सुन्नी थे, अभी नए नए वहाबी आए, अब पढ़ रहे हैं, और जो इनकी जमात में जाता है वो जाहिल क्या कहता है, अल्लाह ने मुझे आज हक समझा दिया, आज हक समझ में आ गया। खबीस की औलाद 1400 साल पहले इस्लाम आया कि आज आया, जो तुझे आज समझ में आया, इतना लेट चल रहा है तू, हमारे बुजुर्गों को तो 1400 साल पहले समझ में आ गया इस्लाम, और हमारे बुजुर्गों ने वो इस्लाम कबूल किया जो बुजुर्गाने दीन के जरिए आया। गरीब नवाज को हिंदुस्तान किसने भेजा, अल्लाह के रसूल ने भेजा, तो जिसको रसूल ने भेजकर इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा, वो इस्लाम शिर्क वाला इस्लाम हो सकता है माशाल्लाह, वो तो रसूल की खुशनुदी वाला इस्लाम है, रसूल की पसंदगी वाला इस्लाम है, रसूल को महबूब इस्लाम है, वो इस्लाम हमने लाया है। तो ये नए नए फिरके आ रहे हैं, नए नए, कोई जमात इस्लामी के नाम से आया है, कोई अहले हदीस के नाम से आ रहा है। अच्छा ये बताइए, आज तुम सुन रहे हो कब्र पे जाना हराम है, कब्र पे कब से जा रहे हो आप लोग भाई? गरीब नवाज की मजार आज बनी के पहले थी, 900 साल हो रहे सरकार, गरीब गौसे आजम की मजार उससे पहले है, जाइए आज ही, मैंने मगरिब में बताया, बहुत कम लोग थे, आप हिंदुस्तान में चेन्नई चले जाइए, चेन्नई के अंदर कोलम शरीफ है, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुआ, तकरीर भी हुई मेरी वहां पर, सहाबी रसूल हजरत तमीम दारी अंसारी का मजार है, सहाबी रसूल भी है, मालिक इब्ने दीनार जलील कदर ताबई है, उनका मजार हिंदुस्तान में है। आप मिस्र चले जाइए, तुर्की चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, दुनिया के 56 मुल्कों में जितने इस्लामी मुल्क कहलाते हैं, हर जगह ना किसी साहबी का मजार मिलेगा या किसी वली का, सबके मजार बने, सिर्फ एक जगह जहां आपको मजार नहीं मिलेंगी, वो है सऊदी अरब। और वहां बड़े उसको दलील बनाकर कहता है सऊदीया में तो कब्रें नहीं है, तो उससे पूछो उस खबीस से कि अगर तू पढ़ा लिखा है जाहिल है तो जाहिल से क्या बात करना, जाहिल से बात करना बोले तो अपना वक्त बर्बाद करना है, ये इससे पूछो खबीस से कि कब्रें पहले थी तो तोड़ा किसने, साबी ने तोड़े कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तोड़े, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने 1924 में उसके मानने वालों ने जन्नतुल बकी कब्रिस्तान को शहीद किया। 1924 में सऊदीया की हुकूमत आई, उससे पहले तुर्की हुकूमत थी। अब 500 वीडियो में मैंने वो तस्वीरें दिखाई है कि सारी मजारों पे गुंबद बने थे, कुब्बे बने हुए थे, रसूलुल्लाह की मजार पर आज भी गुंबद खजरा बना हुआ है। ये सारे कुब्बे सारी पक्की मजार इस बात की दलील है कि ये पहले से बने थे। 1924 में तुम्हारे वहाबियों ने उन मजारों को, उन कुब्बों को, उन इमारतों को शहीद किया, और उसको आज तुम्हारी हुकूमत को 100 साल भी नहीं हुए, तो तुम्हारा मजहब 100 साल का भी नहीं, और खुदा की कसम हमारा मजहब 1400 साल पुराना है, हम पहले हैं, तुमने तोड़ा है। और ये मुझे बताइए 1924 में मजारों को शहीद किया गया, यानी अभी 100 साल पूरा होने को भी 3 साल बाकी है, अभी 2021 चल रहा है, 100 साल भी नहीं हुए तुम्हारी मजारों को, और इस्लाम को आए हुए 1450 साल आगे हो गए, तो मुझे बताओ 1300 साल तक मजारे थी, कुब्बे थे, कब्री थी, तो ये सब उस दौर में क्या कोई इमाम नहीं आया, कोई आलिम नहीं आया कि किसी ने नाजायज का फतवा दिया हो? और आज भी मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अपनी माओ का दूध पिया हो तो एक आलिम का कोई ऐसा फतवा दिखा दो, एक किसी इमाम का ऐसा फतवा दिखा दो कि जिसने कब्र को उठाने का फतवा दिया हो, सिवाय तुम्हारे मुल्लाओं के। कब्रों पे जाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, कब्रों पे जाना अगर सुन्नत ना होती तो हुजूर क्या फरमाते, हुजूर ये ना कहते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई।
और ये वहाबड़ा बोलता है कब्र पे जाना शिर्क है। अरे खबीस के बच्चे, अगर कब्र पे जाना शिर्क होता तो रसूल अपनी कब्र पे बुलाते, बुला रहे हैं ना सरकार, दावत दे रहे हैं ना, ये दावत है ना, आओ मंजारा कब्री, आओ मेरी कब्र की ज़ियारत करो, मंजारा कब्री, वजबत वजबत वाजिब हो गई, लहू शफाती उस पर मेरी शफात। हुजूर जन्नत की बशारत दे रहे हैं, ये वहाबड़ा मुशरिक बोल के इस्लाम से खारिज कर रहा है। खुद अल्लाह के नबी ने ज़ियारत की है, कैसे की है, सही मुस्लिम की हदीस है। वहाबड़ो जाओ हदीस की किताबें खोलो, तुम्हारी माओ ने दूध नहीं पिलाया, जितनी किताबें मेरी लाइब्रेरी में ना उसकी शक्लें भी नहीं देखी तुमने। यहाँ मौका नहीं है कि उस तरह की मैं तकरीर करूँ, लेकिन ज़िमनन बातें कर रहा हूँ, ये इतराज़ आते हैं तो। सही मुस्लिम किताबुस्सलाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मरर तो अला कब्र मूसा वहवा कायम युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा अली सलाम की कब्र पर आया तो मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी मूसा की कब्र पर जाके ज़ियारत कर रहे हैं। अगर कब्र की ज़ियारत हराम होती तो जिब्रिल रोकते नहीं, सरकार मूसा की कब्र पे ज़ियारत नहीं करते। और ये भी बताया कि साहिब कब्र जिंदा होता है, कैसे जिंदा होता है, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। गोया बताया कि मुर्दे वो होते जो सलगड़ के मर जाते, जिंदे वो होते जो कब्रों में नमाज भी पढ़ते, कब्रों में भी नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर बुराक पे जा रहे हैं, हुजूर बुराक की रफ्तार से जा रहे हैं, जैसे ही हुजूर छठे आसमान पर पहुंचे, सरकार कहते मैंने मूसा को फिर वहां पाया, मूसा से मैंने फिर मुलाकात की, और जब मुझे रब ने नमाजों का तोहफा दिया, हर बार मूसा कहते या रसूलल्लाह आपकी उम्मत इतनी नमाज ना पढ़ सकेंगी, 50 नमाजें मिली, मैं 5 कम करवाता। फिर मूसा कहते बार बार 9 मरतबा मूसा से छठे आसमान पर मुलाकात हो रही है, कब्र में भी मुलाकात हुई, आसमान पर भी। हुजूर तो बुराक से जा रहे, मूसा ले पहुंच गए, पता चला कि नबुवत की रफ्तार बुराक से बहुत ज्यादा है। फलक झपकने से पहले एक नबी यहां से वहां जा सकते हैं। तो कब्रों की ज़ियारत तो अल्लाह के रसूल ने की, सहाबा इकराम ने की है। क्या अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान नहीं जाते थे ज़ियारत के लिए? क्या साहबे बद्र की कब्रों पर नहीं जाते थे? क्या साहबे उहद की कब्रों पर, मजारों पर नहीं जाते थे? बाकायदा सही बुखारी और सही मुस्लिम की किताबों में मौजूद है, हदीसें मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की खास तौर से मामूल था, आपका एक मामूल यानी आपका ये हमेशा का एक कहना चाहिए उसको, अब लफ्ज़ नहीं आ रहा है मुझे मामूल के अलावा, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, आसान मामूल शायद वर्ड हार्ड हो गया, दस्तूर था आपका, या आपका एक तरीक़ाकार था सरकार का, कि हर साल जिस दिन असहाबे ओहद यानी ओहद के शहीद हुए उस तारीख को अल्लाह के नबी उनकी कब्रों पर खसूसियत के साथ तशरीफ़ ले जाते थे। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते यही तरीका फिर हज़रत अबू बकर का रहा और उसके बाद फिर हज़रत उमर का रहा। उसी तारीख को क्यों जाते थे? गोया बताया कि यह तारीख उनकी शहादत की तारीख है, गोया ये उनके उर्स की तारीख है। तो सरकार ने भी ज़ियारत ही की है। तो ये जो नई नई बातें आ रही है ना कि मिलाद क्यों मनाते हो, कब्रों पे क्यों जाते हो, फातिहा क्यों देते हो, ये सब नई बातें हैं। खुदा की कसम हर चीज़ की हमारे पास दलील है, लेकिन मसला ये है कि वक्त उतना है ही नहीं हमारे पास, और आसपास आपके इस तरह के उलमा नहीं है कि जो आपको इस तरह का दलीलों से समझाए। लेकिन बहरहाल दूर भी अगर कोई आलिम दीन है या आपके करीब है, अपने उलमा से राबता रखिए, अपने उलमा से पूछिए, कोई भी बदअकीदा कोई उठपटांग गलत बात आपके जहन में डाले उसकी दाढ़ी मत देखिए, उसकी नमाजें मत देखिए। इबलीस भी दाढ़ी वाला है, इबलीस भी इस्लामी ही लिबास में रहता है। और याद रखिए ये पेशन को भी अल्लाह के नबी ने पहले ही फरमा दी, सरकार ने कहा व तफ्तरेको उम्मती अला सलासीना व सबाईना मिल्ला, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। कालू मन ही आया रसूल अल्लाह, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान और निशानी क्या होंगी? सरकार ने कहा काला मा अना अलैहि व अस्हाबी, का जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर उनके अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हदीस साबित है, बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है हजरत अनस इब्ने मालिक से, साहबी रसूल है 10 साल हुजूर की सोबत में रहे, वो कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल मैंने सोबत उठाई, मेरी माँ, मैं छोटा था उस वक्त बच्चा था कि मेरी माँ उम्मे सुलेम ने रोटी को बारीक पीस लिया, उसमें घी मिलाया,
उसमें गुड़ डाल दिया मीठा, गोया उसको एक हलवे की शक्ल दे दी, इसी को हमारी जबान में हम कहते हैं मलीदा। एक प्याले में रखा, थोड़ा सा था वो, थोड़ी सी रोटी थी, थोड़ा सा घी था, थोड़ा से गुड़ थे। कहा ना जाओ रसूलुल्लाह को मेरी तरफ से दे दो। हजरत अनस कहते हैं मैं हुजूर की खिदमत में आया, 70 के करीब सहाबा बैठे हुए थे, मैं सोचते लगा इतना सा प्याला और हुजूर अगर बांटे तो एक एक निवाला भी नहीं आएगा सबको, 70 निवाले नहीं बनेंगे इस प्याले में। सरकार ने कहा अनस क्या लाए हो? या रसूलल्लाह मेरी माँ उम्मे सुलैम ने ये दिया। कहा रख दो। हुजूर ने अपने हाथों को उठाया और हजरत अनस कहते अल्लाह के रसूल ने कुरान से जहां चाहा जो चाहा पढ़ा। इसी को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? फातिहा। सामान रख देते हैं, कुरान की तिलावत करते, फिर कहते हैं अल्लाह इसका सवाब फुला को पहुंचा दे, जो हम बांटेंगे तकसीम करेंगे, लोगों को खिलाएंगे, पड़ोसी को देंगे, दोस्त अहबाब को देंगे, रिश्तेदारों में बांटेंगे, इस पर जो अजर सवाब है ये सवाब हमारे फुला मुर्दे को दे दें, ये जायज़ है। और जो कहता है सवाब पहुँचता नहीं तो उस खबीस से कहे ना कि फिर मुफ्त के हज करना बंद कर दे, ये हजे बदल के आए। जब सवाब नहीं पहुंचता किसी का किसी को तो ये हज्जे बदल मुल्ला क्यों करता है देवबंद का भी? फिर कि हज तू करे और सवाब दूसरे को पहुंच जाए, तो सवाब पहुंचता है। सरकार ने हाथ उठाया, हजरत अनस कहते हैं जहां से चाहा जितना चाहा कुरान पढ़ा, फिर हाथों को फेर लिया और कहा अनस ये प्याला ले, हर साहबी के सामने रख। हजरत अनस कहते मैं प्याला रखता, वो साबी खाते और हुजूर कहते खाओ खाओ, शिकम शेर होकर खाओ, पेट भर कर खाओ, पेट भर के खाओ, अच्छे से खाओ, ये ना सोचो कि कम है, मैं कहता हूँ खाओ। वो खाते हत्ता क्यों कहते यार रसूलल्लाह पेट भर गया, अब नहीं खा सकता। प्याला दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, 70 सहाबा में वो प्याला घूमा। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस भी मामूली किताब में नहीं। अनस कहते 70 साहबा ने खाया, फिर हुजूर की खिदमत में आया वो प्याला, सरकार ने उसमें से चंद लुकमे लिए और उसके बाद कहा अनस ये प्याला ले जाओ, अब मेरी तरफ से, मेरी जानिब से अपनी माँ उम्मे सुलैम को दे देना। अनस कहते खुदा की कसम जिसने रसूल को हक के साथ भेजा, मैं हैरान था जब लाया प्याले में तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूँ तो ज्यादा हो गया है। इतने लोग खाने के बाद भी ज्यादा हो गया, इसी को कहते हैं फातिहा। दो चीज़ें हैं फातिहा का नाम, कुरान पढ़ना और उसका सवाब अपने मरूमीन को बख्श देना, इसी को फातिहा कहा जाता है। और यह हदीस से साबित कि कुरान पढ़ा जाता है सवाब पहुंचाया जाता है, और सवाब पहुंचता है ये कई हदीसों में है। सही बुखारी में है कि हज़रत साद इब्ने माज एक साहबी वो आते हैं, या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, ये भी सही बुखारी की हदीस, हुजूर मैं कौन सा सदका करूं कि मेरी माँ को फ़ायदा पहुँचे? आपने फरमाया मदीने में पानी की किल्लत है, कुआं खुदवा दो। साद ने कुआं खुदवाया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कुआं मैंने खुदवा दिया, लेकिन उसका पानी जो है वो बड़ा नमकीन और खारा है। रावी हदीस कहते हुजूर कुएं के पास आए और उसके इर्द गिर्द बरकत के लिए चक्कर लगाया, फिर अपना लुआब लिया और कुएं में डाल दिया, फिर उसका साद अब डोल डालो पानी निकालो, पानी निकाला, हुजूर ने नोश फरमाया और सबको पीने के लिए दिया। साहबा कहते खुदा की कसम मदीने के तमाम कुओं में सबसे ज्यादा मीठा उसी कुएं का पानी था। और फिर अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को उठाया और कहा कि अल्लाहुम्मा हाज़ी उम्मे सादीन, ऐ परवरदिगार ये उम्मे साद के लिए है, यानी इस पानी का जो सवाब है उम्मे साद को पहुंचा, साद की माँ को पहुंचा। ये नजदी वहाबड़ों को हदीसें नहीं दिखती है, ये किससे पूछता है? ये बड़ा चालाक फिरका है। अच्छा ये बताइए आप बीमार होंगे तो किसके पास जाएंगे? हाँ के इंजीनियर के पास जाएंगे, कहेंगे इंजीनियर साहब आप बहुत काबिल हो, तबीयत खराब हो गई है आप मुझे दवा दीजिए। और मकान बनाना हो तो किसके पास जाएंगे? हाँ इंजीनियर से नक्शा बनवाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? डॉक्टर साहब आप बहुत काबिल हो आप नक्शा बनाइए। याद रखो जिस दिन डॉक्टर नक्शा बनाएगा इमारत टूट जाएंगी, और जिस दिन इंजीनियर इलाज करेगा मरीज उखड़ जाएगा। तो हर फन का माहिर होता है, दीन का डॉक्टर, दीन का माहिर कौन होते? आलिम दीन होते, उलमा होते। उलमा के बाद वहाबड़ा नहीं आके पूछता मिलाद कहाँ लिखा है, उलमा से नहीं पूछता फातिहा कहाँ है, उलमा से नहीं पूछता कब्रों पर जाना क्या है, किससे पूछता है? अवाम में ढूंढता है, रिक्शा चलाने वाला कौन है, ऑटो चलाने वाला कौन है, किराने की दुकान का चलाने वाला कौन है, नौकरी पेशा कौन है, उसके पास जाता है बताओ मिलाद मनाना कहाँ है। अब वो बेचारा बता नहीं पाता है क्योंकि जाहिर है उसकी फील्ड नहीं है, उसकी लाइन नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं, उतनी किताबों का मुताला नहीं, उतनी मालूमात नहीं। तो कह देता भाई मुझे नहीं मालूम यार, हम मना रहे, हमारे उलमा नहीं मना करते, हमारे उलमा भी मनाते। अरे तुम लोग जाहिल हो,
अबे जाहिल तो तू है कि बीमार हुआ तो इंजीनियर के पास जा रहा है और घर बनाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। जाहिल तो तू है, उलमा के पास नहीं जाते। इसलिए याद रखिए, इस इन फिरकों से बचिए। और हिंदुस्तान के जो हालात आज बिगड़ रहे हैं ना, याद रखिए, जो ढकोसलेबाजी करते हैं ना, मुसलमान खतरे में है, वहाँ दंगा यहाँ दंगा, इसका सबब भी है, वहाँ भी आतंकवादी। सारे बम इन्होंने फोड़े, जिसका नतीजा आज हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों से नफरत भर गई है। और वो नफरत फैलाने वाली तंजीमें गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में, जिनको नफरत फैलाना जिनका काम है, इन वहाबियों ने मौका दिया, इन वहाबियों ने बम रखे जगह जगह, इन वहाबियों ने आतंकवादियों के नाम पर जगह जगह स्पोर्ट किए। नतीजा ये हुआ कि उन दहशतगर्द तंजीमों को देखकर, उन शिद्दत पसंद तंजीमों को, उस शिद्दत पसंद हिंदू तहरीकों को बहाना मिला, और उन्होंने अपने लोगों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला के देखो मुसलमान आतंकवादी होते। वसीम रजवी जैसा जाहिल को खड़ा किया गया, जिसने कहा कुरान में 26 आयतें वो है कि जो आतंकवाद की बात करती है, जो दहशतगर्द की बात करती है। ये मौका किसने दिया इनको बोलने का, ये मुसलमानों पे आतंकवादी का लेबल लगाने का, ये जुरत किसको कैसे हुई? ये इन वहाबियों की वजह से हुई, इसलिए कि जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जितनी टेररिस्ट तंजीमें, सब वहाबियों की है। अलकायदा वहाबियों की है, लश्कर ए तैयबा वहाबियों का है, जैश मोहम्मद वहाबियों का है, जितने संगठन हैं आतंकवादी सब वहाबियों के। सुन्नियों का एक संगठन वहाबियों का नहीं, एक सुन्नी आज तक कोई आतंकवादी नहीं पैदा हुआ। वजह क्या है? हम खाजा के मानने वाले हैं, जो खाजा का मानने वाला होता है वो आतंकवादी नहीं होता, और जो आतंकवादी होता है वो खाजा का नहीं होता। और एक जुमला मैं कहता हूँ, बस इसी पे मेरी तकरीर का इख्तिताम होगा, उसके बाद आपको जो सवाल पूछना है पूछे। अभी इस वक्त 12 बज रहे हैं, 11 बजे 1 बजे तक पौन घंटा मैं बैठूंगा, पानी भी आ रहा है शायद, और जलसा क्योंकि अब ख़त्म हो गया, तकरीर एंड हो गई। अगर कोई उठ के जाना चाहे जा सकता है, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, तकरीर हो गई। लेकिन सवाल जिसको जो पूछना है पूछे, और सवाल जो है मेरे ख्याल से तकरीर से कभी कभी ज़्यादा दिलचस्प सवालात हो जाते हैं। एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, हम सुन्नी हैं, कब्रों पे हम क्या डालते हैं? फूल डालते हैं। किसने सिखाया ये फूल डालना? हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। तो जो कौम, बड़ा प्यारा जुमला है सुन लीजिए, जो कौम, हम आतंकवादी क्यों नहीं इसकी वजह बता रहा हूं, सुन्नी आतंकवादी नहीं होता, सुन्नी से इस्लाम का भी बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि हम दहशतगर्द टेररिस्ट नहीं, आतंकवादी नहीं, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने मुर्दों का भी इतना अदब सिखाया कि मुर्दों की कब्रों पर फूल डालो। जो कौम अपने मुर्दों की कब्रों पर फूल डालती है, वो जिंदों पर आग के गोले नहीं बरसा सकती। ये इनका काम है, इनको कब्रों से भी दुश्मनी है और जिंदा इंसानों से भी दुश्मनी है। आज इस्लाम को दागदार इन खबीसों ने किया है। डंकी की चोट पर कहो कि हम सुन्नी हैं, और डंके की चोट पर बोला करो कि वहाबियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इनसे रिश्तेदारियां मत करो। सबसे ज़्यादा वहाबियत फैलती है तो रिश्तेदारियों की बुनियाद पर फैलती है। क्या सुन्नियों की लड़कियां मर गई कि वहाबी के घर की लड़कियां लाते हो? आशिक रसूल कहलाने का डंका पीटते हो, दावे करते हो हम नबी से मोहब्बत करते हो, और गद्दार रसूल की बेटी लेकर आते हो, और जहनों में ये बिठाते नहीं नहीं हमारे माहौल में रहकर सुधर जाएंगी। अबे क्या सुधरेंगी, पूरा घर बिगाड़ देंगी। एक ड्राम शरबत हो और उसमें पेशाब का एक कतरा गिर जाए, पियोंगे वो शरबत? क्यों भाई, सारे ड्राम ने उस एक कतरे नापाक को पाक क्यों नहीं कर दिया? पता चला सारी चीजें मिलकर एक कतरे को पाक नहीं कर सकती, लेकिन एक नापाक कतरा सारे पाक को नापाक कर देता है। उस नापाक लड़की को लाते हो, अपनी लड़कियां नापाक लोगों के दरमियान में देते हो। मैं एक जज्बात में नहीं, हकीकत की तर्जुमानी में बोल रहा हूँ, खुदा की कसम, अगर बेटियां घर में बैठ जाए गवारा कर लो, अल्लाह ना करे किसी की बेटी बैठे, हर किसी की बेटी का वक्त पे निकाह हो जाए। हाँ बोलिए आमीन। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी की बेटी देखने में कमतर है, 19-20 मामला है, रिश्ते नहीं आ रहे, और वहाबियों के रिश्ते आ रहे हैं, अपनी बेटी को गवारा बिठा दो लेकिन वहाबी को मत दो। इसलिए कि तुमने अगर अपनी बेटी को ये सोचकर एक वहाबी के घर में ब्याह दिया कि शादी हो जाएंगी किसी तरह, ये बेटी निपट जाएंगी, याद रखो आपने बेटी नहीं निपटाया, एक बदअकीदा एक गुस्ताखे रसूल की नस्ल को पैदा करने का जरिया दे दिया है तुमने। अब उस लड़की से उस घर में जितने गुस्ताखे रसूल गद्दार रसूल पैदा होंगे, कयामत में आपकी पूछ होंगी। बच्चों का खेल नहीं है ये, लोग जज्बात में, अरे मौलियों की बातें, माफ़ करना भाई, ये मौलियों का झगड़ा नहीं है,
हमारा किसी से झगड़ा नहीं। और मैं एक जुमला तकरीर में बोलता हूँ, जब पहली बार एक जगह बोला लोग चौंक गए, मैंने कहा आला हजरत का देवबंदियों से कोई झगड़ा नहीं है। आज यहाँ भी कह रहा हूँ, आला हजरत का किसी वहाबी से कोई झगड़ा नहीं है। सबसे ज्यादा बदनाम इन्होंने किसको किया? आला हजरत को। देवबंदियों को काफिर कह दिया, फलाने को काफिर कह दिया, वहाबियों को काफिर कह दिया, इसको काफिर, सबको काफिर कहा, सिर्फ वो अकेले सुन्नी। भाई हाँ, हदीस में भी रसूल ने 72 को काफिर कहा, एक ही को हक पर कहा। सबसे बड़ी बात तो रसूल ने बोल के चले गए, तुझे वो नजर नहीं आया? आला हजरत ने किसी वहाबी के झगड़ा नहीं किया, किसी वहाबी से आलत का झगड़ा नहीं, किसी देवबंदी से झगड़ा नहीं। फिर आप कहेंगे ये है क्या सारा, सारी तकरीर तो इसी पे हो रही थी। सुन लीजिए, एक आदमी झगड़ा लड़ता है, दूसरे पे जुल्म करता है, दूसरे पे ज्यादती करता है, वो शख्स कोर्ट में अपील करता है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो वो खुद जाके कोर्ट में नहीं खड़ा होता, बल्कि एक वकील को खड़ा करता है ना? वकील उसका मुकदमा लड़ता है कि मिलाड मेरे क्लाइंट के साथ ये जुल्म हो रहा है, मिलाड मेरे क्लाइंट के साथ ये तशद्दुद किया जा रहा है, वकील खड़ा होता है ना। देवबंदियों का और वहाबियों का झगड़ा आला हजरत से नहीं था, इनका झगड़ा अल्लाह और उसके रसूल से है। ये अल्लाह रसूल से झगड़ा लड़ रहे थे, कोई रसूल को झूठा कह रहा था, कोई रसूल के इल्म गैब को जानवर पागलों से तशबीह दे रहा था, कोई कह रहा था माज़ अल्लाह नबी का इल्म जो जानवरों की तरह, कोई कह रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भाई से ज़्यादा नहीं, कोई कह रहा था मोहम्मद मरकर मिट्टी में मिल गए, कोई खबीस कह रहा था कि मोहम्मद से ज़्यादा अमल में लोग बढ़ सकते हैं, किसी खबीस ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नऊज़ बिल्लाह कि शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है, किसी ने कहा नबी का मिलाद मनाना कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह, ये रसूल से लड़ रहे थे। और कोई कह रहा अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह जो है खीबत कर सकता है, अल्लाह में ऐब भी है, अल्लाह ये सब करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्यों कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। तो अल्लाह को झूठा करार दिया जा रहा था, अल्लाह को भूलने वाला करार दिया जा रहा था। ये अल्लाह रसूल से लड़ रहे थे और आला हजरत अल्लाह रसूल की तरफ से वकालत कर रहे थे, और वकालत करके केस लड़के सुन्नियों को बता रहे थे कि जान लो इनको, ये मुजरिम लोग हैं और ये ऐसे मुजरिम हैं कि इनसे बचो। और रसूल की बारगाह में अर्ज करो कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु इन मुजरिमों से हमारी हिफाजत कीजिए, इन गद्दारों से हमारी हिफाजत कीजिए, इसलिए कि कयामत में जब अल्लाह इनको सजा सुनाएगा, जो इनके साथ होगा वो भी जाएगा। तो आला हजरत ने कहा कि अब हमें अपने साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। तो इनसे बचने की जरूरत है भाई, इनसे परहेज करो, अपनी बच्चियों को मत दो, इनके पीछे नमाज पढ़ने से बचो और इनकी सुनने से बचो। कोई आए और आपको गुमराह करने की कोशिश करे, साफ कह दो मुल्ला साहब देखिए हम जिस अकीदे पर है वो सच्चा अकीदा है, हमें यकीन है, हम अपने नबी को मानते हैं, अपने खुदा को मानते हैं, हम अपने तरीके पे नमाज पढ़ते हैं, आपको बात करना है हमारे मौलाना से बात कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए। और एक चीज़ और आखिरी बात, नमाज की पाबंदी आप ज़्यादा करें। थोड़ी अफसोस की बात है कि मैं आज आया, दो वक्त की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने का मौका मिला, बहुत कम लोग देखे मैंने। मुमकिन है, बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ मैं, बताया भी गया है कि जलसे की वजह से लोग काम काज में लगे हुए थे, इंतजाम में थे, मुमकिन है। लेकिन नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि नौजवानों से कि आप पहले नमाज पढ़ें, नौजवान की नमाज बूढ़े की नमाज से 70 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है। लोग जवानी में ऐशो इशरत में गुजारते, बुढ़ापे में जब झुकना नहीं होता, बैठना नहीं होता, पढ़ना नहीं होता, हाथ पैर हिलते कांपते, तब मस्जिद का रुख करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब एक जवान सजदा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देख रहे हो मेरे बंदे को, इसके नाम अमाल में इस नमाज का 70 दर्जे ज़्यादा सवाब लिखो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मालिक कायनात, नमाज तो ये भी वही पढ़ रहा है जो एक बूढ़ा पढ़ रहा है, नमाज में दोनों के कोई फ़र्क नहीं, जोहर ये पढ़ रहा है तो जोहर वो भी पढ़ रहा है, सजदे दो कर रहा है ये भी दो सजदे कर रहा है, ये भी किरत कर रहा है वो भी किरत कर रहा है, रब्बे कायनात दोनों एक ही इमाम के पीछे, नमाज एक, इबादत एक, तू खुदा एक, अल्लाह एक, फिर ये नमाज का सवाब 70 दर्जे क्यों? तो अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, ये बूढ़ा तो उस वक्त आया कि अब दुनिया की रंगीनियाँ इसके लिए कोई काम की नहीं, इसमें नफ्सी नहीं है, ख्वाहिशात ख़त्म हो गई, नफ्स ख़त्म हो गया, अब कोई इसमें दिलचस्पी नहीं, अब भी अगर ये मेरी बारगाह में नहीं आता तो जाता कहाँ, अब तो इसके पास टाइम पास करने के लिए भी कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। मगर इस नौजवान को देखो, ये ऐशो इशरत को छोड़कर आया है, दुनिया की लालच को छोड़कर आया है, दुनिया की रंगीनियों को छोड़कर आया है,
बेशुमार इसको गुमराह करने वाली और अपनी तरफ मुतवज्जे करने वाली चीजें हैं, उन सबको तर करके ये मेरी बारगाह में झुकता है और कहता है सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। ये मुझे आला कहता है, मेरी तारीफ बयान करता है, इसलिए कि रंगीनियों को छोड़कर आया। 70 दर्जे सवाब इसके नाम अमल में। तो जवानी का एक सजदा बूढ़े के 70 सजदों पे ज्यादा फौकियत रखता है। बूढ़े का एक सजदा जवान का, जवान का एक सजदा बूढ़े के 70 सजदे, ये तकाबुल है इसका। तो नौजवानों को चाहिए नमाज पढ़ो, और इसकी दो वजह है, नमाज पढ़ोगे अपनी आखिरत सुधार लोगे, वाबियों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते, और दूसरा कि हमारा नमाज पढ़ना हमारी अपनी मस्जिदों की हिफाजत का जरिया है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो गैर आते हैं और गैर आके हमारी मस्जिदों में तादाद बढ़ा के फिर मस्जिदों को कब्जे में कर लेते हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं कि यार फुला मस्जिद सुन्नियों की थी, वाबियों के हाथ में चले गई। चले नहीं गई जनाब, आपने खुद दिया है। आप जा रहे होते तो किसी की औकात और मजाल नहीं थी। याद रखिए, जो मकान खाली होता है उसी पर कोई कब्जा करता है, और जिस मकान में लोग रहते हैं उस पर कोई आके कब्जा नहीं करता। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो नौजवानों, और बुजुर्गों को कहने की ज़रूरत नहीं कि ये उम्र में भी नमाज ना पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे, और कौन सी उम्र बची है भाई। अल्लाह ताला आज की इस बस में को कबूल फरमाए, जो कुछ हक बयान हुआ उसको कबूल करने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने बोलने में कोई लर्जिश गलती हो उसको माफ़ फरमाए। चलिए कुछ सवालात आए हैं सुन ले और फिर उसके जवाब समाप्त फरमा ले। आप में मजमे में से भी कोई पूछना चाहे तो पूछ के खड़े होकर पूछ सकता है। क्या दिखाएं, वक्त बहुत हो रहा है, चलिए अब इतना ही दिखा दिए काफ़ी है। मैयत को कब्र में दफन करने के बाद सुन्नी हजरात अजान देते हैं, सुन्नी हजरात के कब्र के पास अजान देने पर तबलीगी जमात वाले लान तान करते और कहते हैं कि अजान देना कुरान और सुन्नत में से साबित नहीं है, लिहाजा ये अमल बरेलियों का गड़ा हुआ है, बराए करम जवाब इनायत फरमाए। इस ताल्लुक से आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाह तआला ने एक मुस्तकिल किताब लिखी है, उसका अरबी में नाम है इज़ानुल अज्र फी अज़ानिल क़ब्र, इज़ानुल अज्र फी अज़ानिल क़ब्र। अज्र यानी नेकी, अज्र का ऐलान कब्र पर अजान देने के बारे में। इसका उर्दू तर्जमा भी मार्केट में आ चुका है, हिंदी में भी आती है, जिसका नाम है अजान कब्र। उसमें आला हजरत ने बहुत सारी दलाइल बयान किए, और आला हजरत से अगर आप पहले चले जाएं उन किताबों को जिनको देवबंदी भी मानते हैं, या वर देवबंदियों ने अगर वाकई सच्चाई है, रत्ती बराबर भी, ज़र्रा बराबर भी गैरत है, तो वो ऐलान कर दे कि इन किताबों को ना हम मानते ना हमारी मदरसों में किताबें हैं। रद्दुल मुहतार हजरत इमाम इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह की रद्दुल मुहतार, जिसको फतावे शामी भी कहा जाता है, दुर्र मुख्तार की शरह है, इमाम इब्ने आबिदीन जो आला हजरत से भी पहले के हैं, वो खुद फरमाते हैं कि अजान मुख्तलिफ मौके पर देना मस्तून है। मस्तून यानी सुन्नत से साबित है। एक होता है सुन्नत और एक होता है सुन्नत से साबित होना, दोनों में फ़र्क होता है। ये ना कहें कि कल पूछेगा कोई वाबी के रसूलुल्लाह ने किस साहबी की कब्र पे दी, नहीं, हुजूर ने बेआईनी अजान नहीं दी, लेकिन सुन्नत से साबित है, यानी हुजूर की सुन्नत और हदीसों से उसको निकाला गया। तो मस्तून कहते हैं जैसे अजान, बच्चा पैदा हुआ कान में अजान दी जाती है, तूफान आए तो तूफान के दफा के लिए, तूफान को ख़त्म करने के लिए अजान दी जाती है, जंग के मौके पर अजान दी जाए, आग जब बहुत भड़कने लगे और आग ठंडी ना हो रही हो, पानी से काबू ना पाया जा रहा हो, तो इब्ने आबिदीन शामी फरमाते हुक्म है कि उस वक्त अजान दी जाए कि अजान की बरकत से आग सर्द हो जाती है। दीवानगी के वक्त किसी पे अगर पागलपन का दौरा पड़ जाए, पागल होते हैं ना कोई, या किसी पे शय सवार हो जाए और वो काबू में नहीं आ रहा है, तो उसके कान में अजान पुकारना शुरू कर दो, उससे वो काबू में आ जाएगा इस मौके पर। और आखिरी में फरमाते हैं कि मौत के बाद कब्र पर अजान दी जाती है। ये कौन कह रहा है? इमाम इब्ने आबिदीन किताबुल अजान बाबुल अजान के अंदर रद्दुल मुहतार, जो जिससे देवबंदी भी फतवा देते हैं, उसके अंदर ये फतवा मौजूद है। देवबंदी भी इसी से फतवा देते हैं, हम अहले सुन्नत भी इसी से देते हैं। तो इनमें जुरत हो तो इमाम इब्ने आबिदीन को ये मुशरिक बिदती बोलकर बताएं। दूसरा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के साहबजादे, उनकी मलफूजात है जिसका नाम है मलफूजात अजीजी, उसमें शाह अब्दुलक मौदी से दहलवी फरमाते हैं कि दफन के बाद कब्र पर अजान देना जमाने कदीम से चला रहा है, कहते एक तवील जमाने से चला रहा है, और ये एक बहुत बेहतरीन अमल है।
उसी तरह 900 हिजरी के इमाम गुजरे जिनका नाम है हज़रत इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी अश्शाफ़ई, शाफ़ई मसलक के इमाम थे, बहुत बड़े वक्त के इमाम, जिनका नाम क्या बताया मैंने, इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी। इनकी किताब है फतावे हदीसिया, ये सब अरबी किताब है, आवड़ों ने शक्ल भी नहीं देखी होंगी इन किताबों की, पढ़े लिखे कुछ नहीं होते, मुंह में आया बिद्दत है। अबे पढ़ा तूने कुछ, देखा तेरी औकात क्या है, तेरे कुतुब खाने मदरसे में 10 किताबें नहीं दिखती है। अबे हज़ारों किताबें रखने के बाद मुंह खोलना पड़ता है। ये इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी की किताब है फतावे हदीसिया, उसके अंदर इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं कि कब्र पर दफन के बाद अजान देना रसूलुल्लाह की सुन्नत से अखज़ किया गया है, उसका माखज़ रसूलुल्लाह की सुन्नत और हदीस है। आप कैसे अदरा सुन लीजिए, सही बुखारी की हदीस है, कौन सी किताब, सही बुखारी, सही बुखारी में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए मकाम रवा तक भाग जाता है। मुस्लिम के अल्फाज है मकाम रवा, बुखारी के रवा है, और मुस्लिम के अल्फाज है कि मकाम रवा जो मदीने की मस्जिद नबी से 36 मील दूर पे था। कितने दूर भागता है शैतान, 36 मील दूर। क्यों, वजह आखिर हुजूर खुद फरमाते हैं कि अजान के कलमात शैतान पर सबसे ज़्यादा भारी होते हैं, जब अजान होती है तो उसके कान पर दबाव पड़ता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता वो अजान, तो भाग जाता है, और जब अजान ख़त्म होती है तो फिर वापस आ जाता है। तो इस हदीस को अभी याद रखे जहन में कि अजान से शैतान क्या होता है, और यह हदीस किस किताब में है, बुखारी और मुस्लिम में। अब उसके अलावा आइए हज़रत इमाम हकीम तिरमिसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस गुजरे, उनकी हदीस की किताब है नवादिरुल उसूल, देवबंदी भी मानते हैं, वाबी भी मानते हैं, क्योंकि तकरीबन ये 900-1100 साल पहले के इमाम हैं, आज के नहीं है, बरेलियों के नहीं है, बरेलियों के दवक के नहीं है, ये बरेली इमाम थे, 1100-1200 साल पहले के इमाम है, इमाम हकीम तिरमिसी, उनकी किताब है हदीस की नवादिरुल उसूल, जो तकरीबन 17-18 जिल्दों में आती है। उसके अंदर वो बयान करते हैं हदीस पाक के, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है तो शैतान एक हसीन शक्ल में आता है कब्र के अंदर, शैतान कब्र में भी आता है, और यह हदीस में किसी बरेली के मौलाना का अकीदा नहीं। और जब फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन, तो अपनी तरफ इशारा करके कहता है मैं हूँ तेरा रब, तो बंदा फरिश्तों की हैबतनाक शक्ल को देखकर घबराया हुआ होता है, डरा हुआ सहमा हुआ होता है, तो कह देता है घबराहट में अंता अंता, हाँ तू ही मेरा रब है, माशाल्लाह, और ईमान। अब अगर कोई नवादरुल उसूल की रिवायत ना माने, इसको हालांकि इमाम जलालुद्दीन सूती ने भी अपनी किताब लकतुल मरजान फी अहकामिल जान, और ये जितने किताबों के हवाले दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये ओरिजिनल किताबें मेरे घर में मेरी लाइब्रेरियों में मौजूद है, मैं कोई इंटरनेट की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। लकतुल मरजान फी अहकामिल जान में इमाम जलालुद्दीन सूती इस हदीस को नकल करते हैं कि कब्र में शैतान आता है और मुर्दे को सवाल के जवाब देने में वरगलाता और बहकाता है। उसके अलावा इब्ने माजा जो सियाहे सित्ता में किताब शामिल है, 6 हदीस की जो सही किताब है बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिर्मिज़ी नसाई इब्ने माजा, उसमें इब्ने माजा भी शामिल है। उसके अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत है, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्ने उमर जब किसी कब्र पे जाते, मैयत को दफन किया जाता, आप हाथ उठाते और दुआ करते, कहते परवरदिगार इसको अपने रसूलुल्लाह की मिल्लत पर तेरे हवाले किया, यानी हुजूर के दीन पर, ऐ अल्लाह इसको शैतान के वसवसों से बचा। साहबा ने पूछा अब्दुल्ला क्या आप ये जो दुआ करते हैं ये आप खुद करते हैं या आपने रसूलुल्लाह से ये दुआ सुनी, उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह को इसी तरह दुआ करते हुए सुना है, ये दुआ रसूलुल्लाह की है। मतलब क्या कि शैतान कब्र में आता है तभी तो हुजूर दुआ करते थे कि अल्लाह इसको शैतान से बचा, अगर कब्र में शैतान आता ही नहीं है तो भी बचा कहने का क्या मतलब है। तो ये हदीसों से साबित हुआ कि कब्र में शैतान आता है, और बुखारी और मुस्लिम की हदीस से क्या हुआ कि अजान से भागता है, तब आपने अपने मुर्दे को दफन किया और अजान दी, तो अजान देने की बरकत से इबलीस भागा, तो मुर्दे को बहकाने वाला शैतान रहा नहीं, तो नतीजा क्या हुआ कि मुर्दे को जवाब देने में आसानी हो गई, इसलिए अजान दी जाती है। इसका जवाब मुल्लाओं ने बड़ा ज़बरदस्त दिया, ताहिर गयावी और जर्जिस दोनों ने मिलकर एक जवाब दिया, मेरी एक तकरीर है अजान कब्र पर बम्बई की, नेट पर है, आप सर्च करना सुन लेना, मैंने वीडियो दिखाया है इसमें, जाकि ये भी ताहिर गयावी भी बोलता है वही बात और वही जर्जिस बोलता है कि बरेलियों की कब्र में शैतान आता है, हमारी कब्र में नहीं आता, हालांकि हदीसों में है ये।
तो मैंने जवाब में कहा बिल्कुल सही, वो आपकी कब्र में आएंगे ही नहीं, इसलिए कि वो बरेली की कब्र में इसलिए आता है कि वो ईमान लूटने आता है। तू तो खाली खोखा आ रहा है, तो लूटने आए तो क्या लूटने आए, तो उसको भी पता है पूरा लूटा पिटाया हुआ है, तो ये तो पहले से ही अपना है, औलाद ही अपनी है, ये बच्चा ही अपना जना हुआ है, तो तेरी कब्र में क्यों आएगा, यकीनन बरेलियों की कब्र में आएंगे ईमान लूटने। भाई ताजमहल में कभी चोरी सुना आपने? कितनी कीमती इमारत है, कितने कीमती पत्थर लगे हैं, लेकिन सुना कि ताजमहल में चोरी हो गई? मगर ये सुनने को मिलेगा फला घर, वो फला घर में चोरी हो गई, जबकि ताजमहल के मुकाबले में घर की औकात नहीं, तो चोरी क्या हुई? भाई जेवर चुरा लिए गए, तो पता चला जहाँ जेवर दागीने कीमती चीज़ें होती है वहाँ चोरी होती है। इमारत कितनी शानदार हो, अगर चीज़ें कीमती ना हो तो चोरी नहीं होती। तो सुन्नी की जो ये इमारत है, ये सुन्नी की, ये कमज़ोर है, गरीब है, लेकिन ईमान का सोना है, ईमान की दौलत है। और ये इमारत तो बड़ी शानदार है, सऊदीया के पैसों से बनी हुई है, सऊदीया के पैसों से परवरिश हुई है इस इमारत की वहाबियों की, मगर है कुछ नहीं, खाली खोखा, तो वहां इबलीस आके चोरा के करेगा क्या वहां पर, तो सुन्नियों के पास आता है। तो बहरहाल हदीस से साबित हुआ। और दूसरा दान देने का फायदा क्या है कि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब बंदे से फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, पहला सवाल होता है तेरा रब कौन, तो मौजदिन पुकार रहा होता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो ये कलमा सुन के उसको याद आता है और कहता है मेरा रब अल्लाह है। बंद फरिश्ते पूछते हैं मा दीनो का, तेरा दीन क्या है, तो मौजदिन पुकारता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है, जिसमें मैं गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर तीसरा सवाल होता है, फरिश्ते पूछते हैं मा कुंत तकूलु हक्क फी हाज़र रजुल, तो दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था, क्या अकीदा था तेरा रसूल के बारे में, या मौज़िन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदु रसूलुल्लाह, ये सुनकर उसको याद आता, कहता है ये तो वो नबी है जिनकी मैं गवाही देता था, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल है, मैं इनको रसूल कहा करता था, नबी कहा करता। तो अजान जो है वो मुर्दे को कलमा सिखाने में, जवाब देने में आसानी पैदा करती है, ये भी इसकी बरकत है जी। आप उनको सुना दीजिए, बता देंगे मुझे। तो बहरहाल ये बहुत सारी दलीलें हैं, इतना वक्त नहीं है, इस पर एक पूरी तकरीर है मेरी अजान कब्र पर, मैंने चंद दलीलें आपके सामने यहाँ पेश कर दी। तो बहरहाल अजान देना चाहिए, बहुत बरकत वाली चीज़ है, फ़ायदे वाली चीज़ है। अच्छा, अजान में क्या गालियाँ बकते हैं कि अल्लाह की तारीफ़ और रसूल की तारीफ होती है, और जहाँ अल्लाह की तारीफ़ उस पर सवाब है कि गुनाह और अजाब है, तो भाई कब्र पर अगर आप अजान देंगे तो सवाब ही होगा कि गुनाह होगा? ये अजीब जाहिल कौम है कि अल्लाह का नाम लेने से भी रोकते हैं, पागल लोग नहीं है ये? और हर किसी के बारे में एक ही सवाल, नबी ने किया क्या? ऐसा लगता है कि ये 2 बजे अपनी बीवी के पास जाता है तो पहले हदीस की किताब खोल के देखता है कि 2 बजे नबी गए थे क्या, बिरयानियां ठूस रहा है, गोश्त खा रहा है, कभी देखा क्या नबी ने बिरयानी खाई क्या? बिरयानी खाते हैं ना यार? नहीं खाते? हजारों काम तो तुम कर रहे हो, नबी ने तो कभी मदरसा नहीं खोला, तुम क्यों मदरसा खोल के बैठे हो? नबी के ज़माने में तो कोई इस तरह आलिम बल के सनद नहीं दी जाती थी, तुम सनद क्यों देते हो? अरे सब छोड़ो, नबी के ज़माने में कोई तबली की जमात दिखा दो तो 40 दिन के लिए निकली हो बोरे बिस्तर लेकर, तो ये तो सबसे बड़ी बिदअत है, तुम लेकर बैठे हो, तो ये नबी ने किया है क्या? याद रखिए, इमाम इबन हजर अल मक्की, इमाम इबन हजर अस्कलानी, माफ़ करें, ये दूसरे इमाम है, ये उनसे भी पहले के इमाम इबन हजर के, इमाम इबन हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की शरह लिखी फतुल बारी शरुल बुखारी के नाम से, उसमें बिदत की तारीफ हो ये बयान करते, कहते बिदत उस काम को कहते जो सुन्नत की मुखालिफत में हो, बिदत उसे नहीं कहते जो रसूल ने नहीं किया, अगर रसूल ने नहीं किया उससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो काम सुन्नत नहीं है, अगर हुजूर कर लेते तो वो काम क्या हो जाता? सुन्नत बन जाता। लेकिन बहुत से काम वो है कि जो सुन्नत नहीं होते, सवाब का काम होता है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। अच्छा, अजान से पहले और बाद में और इकामत से पहले दुरुशरी पढ़ने को लेकर तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि सुन्नी बरेली का ये अमल हदीस व कुरान के खिलाफ है। भाई ये अजान से पहले जो दुरूद पढ़ने का रिवाज है, ये सलाउद्दीन अयूबी ने शुरू किया। किसने शुरू किया? और सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह वो है जिनको सारे फिरके के लोग वली मानते हैं। इन बेचारों को मालूमात नहीं है, मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ, ये कोरे बिस है, कोरे, पूरी ज़िंदगी बिस्तर धोने में निकल गई इनकी, पढ़े लिखे कुछ होते नहीं है ये लोग,
और हम जैसे बरेलियों का से इनका पाला पड़ता नहीं है, जब हम आओ तो ये भाग जाते हैं। दिन भर से बैठा हो, चाहिए था अगर इनका कोई आता मौलवी आके बात करता, भाई आप आए तो हमारा ये जवाब दो ये दो, हम हमारे सुननी चले जाते, ये नहीं जाते कमबख्त, इतने फटू है ये। और इसको भी साहेब दुर्र मुख्तार इमाम हसकाफी रहमतुल्लाह ने दुर्र मुख्तार में भी लिखा, फतावे आलमगीरी में भी ये बात लिखी हुई है, और इब्ने आबिदीन शामी ने भी लिखा कि इमाम हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने ज़माने में अजान से पहले दुरूद पढ़ने का रिवाज दिया। और क्यों दिया उन्होंने? इसलिए कि उस ज़माने में बहुत सारे ऐसे फ़िरके पैदा हो गए थे कि जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे लेकिन उनका अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सुन्नियों की मस्जिद से दुरूद पढ़ा जाए ताकि कोई मुसाफिर नया शख्स जो वहाँ के इमाम को, वहाँ की मस्जिद को, वहाँ के लोगों का अकीदा ना जानता हो, तो जैसी अजान से पहले दुरूद सुने तो समझ ले कि सुन्नियों की मस्जिद है, सुन्नियों की अजान है। और आज भी यही निशानी है कि वहावड़ा जैसी अजान देगा तो शुरू कर देगा, और सुन्नी जब मौसिन अजान देगा तो पहले दुरूद पढ़ेगा तो फौरन पता चल जाता है ये सुन्नियों की अजान हो रही है। तो ये निशानी के लिए सलाउद्दीन अय्यूबी ने जारी किया, और इसको तमाम उस दौर के इमामों ने इस पर इत्तेफाक कर लिया। और सलाउद्दीन अय्यूबी कब के मालूम है आपको? गौसे पाक के दौर के हैं। जब बैतुल मुकद्दस फतह करने निकले तो बैतुल मुकद्दस फतह नहीं हो रहा था, तो इन्होंने अपने छोटे भाई को गौसे पाक की बारगाह में भेजा, कहा जाओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहना हुजूर बैतुल मुकद्दस फतेह नहीं हो रहा है, दुआ फरमा दे। उनके छोटे भाई बगदाद पहुंचे और जैसे ही गौसे आजम की बारगाह में कदम रखा, सलाम किया, गौसे पाक मुस्कुरा के कहते हैं कि मैं जानता हूं किस काम के लिए आए हो, जाओ लौटो और भाई को खुशखबरी दो कि फतेह हो चुकी है। ये लौटे और बैतुल मुकद्दस फतह हो गया था, गौसे पाक के जमाने के। तो इस इजमा में गौसे पाक भी शामिल है, तो गौसे पाक को बिद्दत ही बोलेगा, वहां बड़ा हिम्मत है। इब्ने आबिदुन शामी को बोलेगा, शाह अब्दुल हक मोहद्दी से दहलवी को बोलेगा, शाह वलीउल्लाह को बोलेगा, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दी से दहलवी को बोलेगा, मुजद्दिद अलफसानी को बोलेगा। दरमियान में बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े आलिम गुजरे, माइके लाल हो तो इनमें से किसी बुजुर्ग का एक फतवा दिखा दो जिसने बिद्दत कहा इसको। वहां बड़ा दिखाता कुछ नहीं है, ये सवालिया निशान है, पूरी जिंदगी इसकी सिर्फ सवाल पूछने में चले जाती है, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। इसका तो हाल ये, मरेगा फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, कहेगा तू कौन, अभी बताते हमको, बस पूछना ही इसकी आदत है। और अभी एक दोस्त ने हमारे बड़ा अच्छा मैसेज चलाया था कि ये बोलते मुर्दे सुनते नहीं है, है ना, वलियों को क्यों मानते, वली सुनते हैं क्या, सुनते ही नहीं तो देंगे कैसे। अबे हमारे मुर्दे सुनते भी है, देते दिए, लेकिन वाकई अब वहां भी कब्र में जाएगा, फरिश्ते कहेंगे मन रब्बो का, ये कहेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा, क्यों, मेरे मौलाना ने बोल के बिछाया है कि मुर्दे सुनते नहीं है, जो कनपट्टी पे लगाएंगे आप सुनाई दे रहा है। अबे जब सुनते नहीं है तो फिर सवाल कैसे सुनेंगे, फिर अगर मुर्दे सुनते ही नहीं है तो फरिश्ते पूछेंगे तो फिर कैसे सुनेंगे भाई, तो कुछ भी बातें करते। तो ये बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसको राज किया। एक उसूल याद रखिए, ये बहुत कीमती बात बोल रहा हूँ, दावे के मुताबिक दलील का मुतालबा होता है, ये उसूल की बात है। वहाँ बड़े बेउसूल के लोग हैं, बेउसूल माँ बाप की अय्याशियों का नतीजा वहाँ भी होता है। और ये जुमला सख्त इसलिए बोल रहा हूँ कि आला हज़रत को शैतान बोला गया है, वरना इतने सख्त जुमले बोलता नहीं मैं आमतौर पर, लेकिन आज बोल रहा हूँ। उसूल क्या है कि दावे के मुताबिक दलील पूछी जाती है, जैसा दावा होगा उसके मुताबिक दलील पूछी जाएगी। अगर मैं कहूं कि भाई ये मोबाइल चलाना सुन्नत है, तो आप दलील पूछेंगे कि सुन्नत है तो हुजूर ने कब मोबाइल चलाया, दलील दीजिए। तो दावा मेरा क्या था? सुन्नत का। समझ में आ रही है ना बात? मैं कहूं कि भाई चावल खाना, भात खाना फर्ज है, खाना ही पड़ेगा, जो भात नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा वो मुसलमान नहीं। अब मैंने फ़र्ज कहा तो आप मुतालबा करेंगे कि फ़र्ज वो होता है जो अल्लाह की तरफ से हुक्म हो, कुरान में हो, तो कुरान में कहा है भात का जिक्र दिखाइए, भात ही बोलते हैं ना चावल। तो जैसा दावा होगा वैसा मुतालबा। अजान को हमने सुन्नत कहा, फातिहा को सुन्नत कहा, नहीं, इसको हमारे उलमा क्या कहते हैं, मुस्तहब अमल है। मुस्तहब यानी अच्छा अमल। इसके लिए हदीस से दलील, वहाँ भी क्या कहता है, अजान देते हो हदीस में कहा है। अबे खबीज अगर हदीस में होता और हुजूर के दौर में होता तो या तो वो फर्ज होता या सुन्नत होता, चूंकि उसका जिक्र हदीस में नहीं इसलिए ना वो काम फर्ज है ना सुन्नत है, बल्कि वो काम क्या है, मुस्तहब है, अच्छा काम है। जैसे मैं कहूँ भाई मैंने किताब लिखी, मान लीजिए
अब किताब लिखी तो ये दीन की किताब है, जो लोग पढ़ेंगे इस पर सवाब है, लिखना सवाब है, लोगों तक पहुंचाना सवाब है। तो किताब लिखना अच्छी बात है कि बुरी बात है, बोलिए? वो आवड़े भी लिखते हैं ना, दीनी किताबें, हदीस की किताबें लिखते हैं ना। किसी साहबी ने हदीस की किताब कोई लिखी? रसूलुल्लाह ने अपनी हदीस की किताब लिखी? नहीं लिखी। तो कहा जाएगा किताब लिखना मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, सवाब का अमल है। लेकिन अगर कोई दावा करे किताब लिखना सुन्नत है, तो तब आप दावे के मुताबिक सवाल करेंगे कि मुतालबा करेंगे, सवाल करेंगे कि भाई आपने किताब लिखने को सुन्नत कहा तो बताओ रसूलुल्लाह ने कौन सी किताब लिखी थी। तो सवाल के मुताबिक दावा होना, तो अजान कब्र हो या अजान से पहले दुरूद पढ़ना हो, इस सब के बारे में हमारे उलमा कहते हैं कि मुस्तहब अमल है, फ़र्ज नहीं कहते, इसको वाजिब नहीं कहते। हमारे उलमा ये नहीं कहते कि अगर किसी ने कब्र पे अजान नहीं दी तो क़यामत पे पूछूंगी। ग्यारहवीं शरीफ करना फ़र्ज़ नहीं, हमारे उलमा ने नहीं कहा, किसी ने आलिम ने फतवा नहीं दिया कि ग्यारहवीं जिसने नहीं की क़यामत में अल्लाह ताला उसकी पूछ करेगा। बल्कि ग्यारहवीं किया सवाब का काम है, अच्छा काम है, लोगों को खिलाना, इसाले सवाब करना, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, वलियों का जिक्र करना, ये सब सवाब का काम है, अच्छा काम है, फ़र्ज़ नहीं। फ़र्ज़ अगर हम बोलते तो फिर तुम कहते कि भाई ग्यारहवीं कुरान में कहाँ दिखाओ, हदीस में कहाँ दिखाओ, तो तेरा सवाल ही गलत है। तो सवाल ही गलत करता है वहाबी। इसलिए ये उसूल याद रखिए आप हमेशा, कि जब भी कोई वहाबी कुरान और हदीस से पूछे कि कहाँ है, तो उससे कहना ये दावा ही नहीं हमारा कि ये फ़र्ज़ है और ये सुन्नत है। हमारा दावा यह है कि अच्छा अमल है, और अगर हमारे उलमा, हमारे इमाम, हमारे बुजुर्गान दीन ने काम किया तो उनका एक करना ही अच्छा होने की दलील है। इसलिए कि बुजुर्गान दीन और हमारे जो इमाम होते हैं, आइम्मा, इमाम से मुराद मस्जिद के इमाम नहीं, जो पूरी उम्मत के इमाम होते हैं, वो ऐसे काम कर ही नहीं सकते जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, और जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम करे वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। ये उसूल याद रखिए। एक सवाल है कि एक नदवी आलिम ने अपनी तकरीर में ये कहा कि हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, लिहाजा आज हम सब नमाज छोड़कर कुफ्र कर रहे हैं, बराए करम जवाब इनायत फरमाई। ये कोई मौलवी साहब का सवाल है कि किसी मौलवी ने ये कहा? ये नदवी नहीं है, ये जाहिल आदमी लगता है, कोई एक नंबर का जाहिल, इनका जाहिल ही तो पैदा होते हैं, कि जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। असल में एक हदीस पाक है, और हदीस समझना इन बच्चों का काम नहीं है, इनके, इन जाहिलों का काम नहीं है हदीस समझना। हदीस रसूल को समझने के लिए इश्क रसूल चाहिए। सरकार की एक हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते मन तरकस सलाता मुतामिदन फकत कफा। ये उसी हदीस की बुनियाद पे उस खबीज ने कहा होगा। सरकार की हदीस है, अल्लाह फरमाते जिसने जान बूझ कर भी एक वक्त की नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। एक वक्त की भी जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो क्या हो गया? काफिर हो गया। इस हदीस का क्या मतलब है? क्या वाकई वो काफिर हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया? अब क्या उसको जलाया जाएगा मरघट में? क्या उससे निकाह करना हराम? क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ना हराम? नहीं, इस हदीस का ये मतलब नहीं है। इस हदीस को समझने के लिए एक वाक़े की तरफ मैं ले जाता हूँ। इमाम अहमद इब्ने हम्बल रदी अल्लाह तआला ने इमाम शाफई से पढ़ने आए, तो जिस वक्त इमाम अहमद इब्ने हम्बल पढ़ने आए उस वक्त बहुत बड़े मुहद्दिस थे, तकरीबन 400,000 हदीसें उनको ज़बानी याद थी, तो उनमें एक थोड़ा सा घमंड टाइप का भी था कि भाई मैं 400,000 हदीसों का हाफिज हूँ। और मुहद्दिस उसे कहते हैं जिसको कम से कम 100,000 हदीसें याद हो, 100,000 ज़बानी जिसको याद हो उसको मुहद्दिस कहा जाता है, इनको 400,000 याद थी। और मुहद्दिस से बड़ा दर्जा होता है फकीह का। फकीह कौन? वो इमाम होते हैं जो मसाइल हदीसों से अखस करके बयान करते हैं। इमाम शाफई फकीह थे उस वक्त, इमाम अहमद इब्न हम्बल उस वक्त फकीह नहीं बने थे, बाद में फकीह बने फिर वो। तो वो आए इमाम शाफई से पढ़ने के लिए, तो उनमें एक थोड़ा सा घमंड झलकता था, तो इमाम शाफई ने महसूस किया कि इनमें एक हल्का सा घमंड का अंदाज़ है, 400,000 हदीसों के हाफिज़ है, तो ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, जब तक इनका घमंड टूटेगा नहीं ये मुझसे कुछ सीखेंगे नहीं। तो उनका घमंड तोड़ने के लिए इमाम शाफई ने एक मरतबा इमाम अहमद ने इब्ने हम्बल से पूछा कि ऐ अहमद इब्ने हम्बल, ये बताओ उस शख्स के बारे में तुम क्या फतवा देते हो कि जिस जो एक वक्त की नमाज छोड़ दे? उन्होंने कहा वो शख्स काफिर है। कहा दलील क्या है उसके काफिर होने की? तो उन्होंने यही हदीस पढ़ दी, कहा कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते मन तरकस सलाता मुतामिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ कर एक वक्त की नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ अहमद इब्ने अम्बल, ये बताओ कि एक शख्स ने गफलत की वजह से, सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से एक नमाज छोड़ दी, मसलन जोहर के टाइम नमाज का वक्त था, पढ़ा नहीं, सुस्ती की वजह से बिस्तर पे पढ़ा रहा, नमाज जोहर पढ़ी नहीं,
नमाज का वक्त निकल गया, उसके बाद उसको एहसास हुआ गलती का कि नमाज मैंने छोड़ना नहीं था, अब छोड़ दिया तो मैं तो काफिर हो गया भाई, ईमान से निकल गया नमाज छोड़कर, तो अब उसको दोबारा मुसलमान होना है तो क्या करना चाहिए? बोलिए क्या करेगा वो? आपके पास जवाब है क्या? नमाज छोड़कर वो क्या हुआ? काफिर। तब मुसलमान होना है, दोबारा इस्लाम में आना है ना, काफिर जो इस्लाम से तो निकल गया काफिर, अब क्या करे वो इस्लाम में आने के लिए? तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने फरमाया हुजूर वो कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ेगा वो इस्लाम में आ जाएगा। तो इमाम शाफी ने कहा कलमा उसे इस्लाम में कैसे लाएगा? इसलिए कि जिस वक्त नमाज छोड़ी उस वक्त भी वो कलमे का इकरार करता था, कलमे का मुनकिर का था, कलमे का तो उसने इनकार किया ही नहीं, अल्लाह को एक ही मानता था, रसूल को रसूल जानता था, आखिरी पैगंबर जानता था, अल्लाह रसूल पर ईमान था, अल्लाह रसूल के ईमान का इनकार ही नहीं किया, तो जिस चीज़ का इनकार ही नहीं किया वो चीज़ उसको इस्लाम में कैसे ले आएंगी? निकला नमाज की वजह से और तुम कहते कलमे पढ़ के वो इस्लाम में आए, तो ये कैसी बात हुई? तो इमाम अहमद ने अम्बल थोड़ा चकरा गए, उन्होंने कुछ देर सोचा, कहा कि हुजूर फिर ऐसा करें कि वो नमाज पढ़ ले, कि नमाज छोड़ने की वजह से काफिर हुआ, नमाज पढ़ लेगा तो मुसलमान हो जाएगा। तो इमाम शाफी ने फौरन कहा कि अच्छा नमाज पढ़ेगा तो मुसलमान होगा, तो ये बताओ कि नमाज छोड़कर काफिर हुआ, फिर नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, तब नमाज पढ़ रहा है तो ये नमाज हालत कुफ्र में पढ़ रहा है, तो काफिर की नमाज कैसे कबूल होंगी? समझ में आ रही है कि नहीं बात? भाई नमाज छोड़कर तो काफिर हो चुका, अब काफिर हो गया और खड़ा हुआ तो कुफर की हालत में ही है अभी, तो अभी काफिर है और कुफर की हालत में ही नमाज पढ़ रहा है, तो भी नमाज काफिर की कबूल कहां से होंगी? रामदेव बाबा नमाज पढ़े तो कबूल हो जाएंगी क्या? तो इमाम अम्बल फिर चकरा है, कहा हुजूर आप ही बताएं हदीस का क्या मतलब है। तो इमाम शाफी कहते हैं अहमद इब्ने अम्बल इस हदीस का मतलब वो नहीं है जो तू समझा है, इस हदीस का मतलब ये हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफर किया, यानी उसने काफिरों जैसा काम किया, काफिर नहीं हुआ, काफिरों जैसा काम किया। इसी वजह से यही वजह है कि इमाम आजम अबू हनीफा और वहाबी देवबंदी चूके इमाम आजम को मानने का दावा करते हैं, तो उस जाहिल मौलवी से पूछे कोई कि तू ही बता इमाम आजम का इस बारे में क्या फतवा है, तू इमाम आजम से बड़ा हुआ इमाम है या मौलवी है? इमाम आजम फरमाते कि जो नमाज छोड़े जानबूझकर वो काफिर नहीं होता बल्कि गुनाहगार है, फासिक है, उसको कैद में रखा जाएगा, बादशाह इस्लाम पर वाजिब है कि उसको कैद खाने में रखे, ताजीर की जाएंगी और उस वक्त तक उसको कैद में रखा जाएगा जब तक वो सच्चे दिल से तौबा करके नमाजी ना बन जाए। तो नमाज छोड़ना गुनाह बहुत बड़ा है लेकिन काफिर नहीं होता। और अगर नौज़बिल्लाह कोई जिद करेगी नहीं हदीस में तो है कि काफिर, और इस हदीस का यही मतलब है कि नमाज छोड़ा तो काफिर हो गया, तो फिर मुझे बताइए कि काफिर की नमाज जनाजा पढ़ाना कैसा है? बोलो, काफिर की, रामदेव बाबा मरेंगे तो नमाज जनाजा पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। काफिर की नमाज जनाजा पढ़ना खुद कुफ्र है। तो बस्ती में ऐसे कितने लोग इंतकाल कर जाते हैं जो नमाजी नहीं होते, तो ये मुल्ला नमाज पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, उसी से पूछो। क्या हर मैयत को आने के बाद पूछता है भैया बताओ एक वक्त की भी तो नमाज नहीं छूटी, एक वक्त की भी अगर इसने छोड़ा तो एक काफिर है, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा काफिर का निकाह होता है, लड़की देते हो तो पूछते हो कि लड़का एक वक्त की भी तो नमाज छोड़ा नहीं है कहीं? अपनी लड़की दे दिया तो आपने किससे दिया? काफिर से दिया। जब काफिर से दिया तो काफिर से तो निकाह ही नहीं होता, तो औलाद क्या हुई फिर? और खुद जिस मौलवी ने कहा उसी से पूछ लो, तेरे बाप दादा की नस्ल में कोई ऐसा है कि जिसने कभी नमाज ना छोड़ी होगी? सब पक्के नमाजी थे। एक हाथ तो निकलेगा कि जिसने एक हाथ एक वक्त की भी नमाज छोड़ी होगी, तो एक वक्त की भी छोड़ा तो काफिर हुआ, तो तू खुद काफिर की नस्ल से हुआ और तू खुद क्या हुआ? तो असल में ये हदीस दानी और हदीस फहमी इन बेचारों को आती नहीं है, ये जो मुँह में आया वक्त देते हैं। नमाज देखिए यकीनन छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, और मैंने जैसा बताया है कि इमाम अबू हनीफा क्या फरमाते हैं कि कैद में रखा जाएगा, और कब तक कैद में रहेगा? जब तक तौबा ना कर ले सच्चे दिल से और नमाज की पाबंदी शुरू ना कर दे तब तक कैद में रखा जाएगा, लेकिन काफिर नहीं कहा जाएगा। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। हुजूर के रोज़े पर चादर नहीं है तो मज़ार में चादर चढ़ाना कहाँ से साबित है? मदीना शरीफ में ऐसा नहीं होता तो जवाब इनायत फरमाए। सबसे पहली बात तो है कि रसूलुल्लाह की मज़ार अकदस के इर्द गिर्द दीवार तामीर की हुई है, हुजूर की असल कब्र जो है वो नज़र ही नहीं आती, तो किस वाबड़े ने जाके देख लिया कि चादर है या नहीं है? जालियां हैं, जालियों के अलावा भी जो हुजूर की असल कब्र है उसके गिर्द दीवार बना दी गई है, और ये किसने बनाया था? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने।
ये बड़ा तवील वाक्य है, तफसील का वक्त नहीं है, मुख्तसर बता देता हूँ। उनके ज़माने में दो यहूदी सुरंग लगा रहे थे, उनका मकसद था हुजूर के जिस्म को लेके चले जाना और उससे फिर सरकार के जिस्म को ले जाकर मुसलमानों से सौदा करना। और हुजूर के विसाल के तकरीबन 300-350 साल के बाद का वाक्य है, हुजूर के विसाल के। वो सुरंग वहाँ तक पहुँच गई थी, अल्लाह के नबी ख्वाब में तशरीफ़ लाए, हज़रत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत वक्त के बुज़ुर्ग और पाए के आलिम और बादशाह थे, और कहा कि इन बदबख्तों से मेरी हिफाजत करो। चुनांचे वो सुरंग का उन्होंने पता लगाया, अलमुख्तसर उनको कत्ल किया, और फिर हुजूर के रोज़े के इर्द गिर्द चारों तरफ सीसा लोहा रंगा कई धातों को मिला के दीवार बना दी, और ऐसी मजबूत दीवार की अगर वहाँ बम धमाका भी कर दिया जाए तो कुछ नहीं होता। तो हुजूर की कब्र तो अंदर महफूज है। कब जाहिर होंगी? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और हुजूर के पहलू में दफन होंगे, तो वो दीवारें खुद ब खुद शक हो जाएंगी, टूट जाएंगी, हज़रत ईसा को वहीं दफन किया जाएगा। तो असल तो हुजूर की कब्र दिखती ही नहीं, तो ये वाबड़े ने कहा देख लिया कि चादर है नहीं, एक चीज़। दूसरी अगर कहे कि भाई जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला वगैरह दूसरे जो कब्रें हैं वहाँ, दूसरे जो कब्रिस्तान हैं वहाँ चादर नहीं है, तो इसका जवाब तो तकरीर में ही आ चुका है कि ये चादर और ये गुब्बे और गुम्बद इसलिए नहीं है कि तुम्हारे मुल्लाओं ने बंद किए। तुम्हारे मुल्ला का अमल कोई हदीस नहीं है, कहते सऊदीया में नहीं है, सऊदीया में नहीं है, तो सऊदीया बुखारी का नाम है कि मुस्लिम का नाम है कि कुरान का नाम है? सऊदीया किस किताब का नाम है? तुम सऊदीया पर ईमान लाए हो कि अल्लाह रसूल की बातों पर ईमान लाए हो? किसी चीज़ के नाजायज़ और जायज़ होने की दलील कुरान और हदीस से ली जाएंगी, ना कि ये कि सऊदीया में नहीं है। तो सऊदीया में तो थिएटर भी खुल गए, सऊदीया में शराब भी पी रहे हैं, सऊदीया में अय्याशियाँ भी हो रही है, वहाँ के शेख रंडियों पर करोड़ों रुपये लुटा देते हैं, 50 वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ उन चीज़ों को। वहाँ पे तो वो फैशन शो भी हो रहे हैं, नंगी टांगों वाली लड़कियाँ नंगी टांगे लेके रैंप पे घूम रही है, तो सब सऊदीया में हो रहा है साहब आजकल। तो इसको भी दलील बना लो कि सऊदीया में हो सकता है, तो अब थिएटर जायज़ हो गए, फिल्में देखना जायज़ हो गया, नाच गाने जायज़ हो गए, शराब पीना जायज़ हो गया, रंडियों पे नोट निछावर करना जायज़ हो गया। तो सऊदीया कोई कुरान वादी नहीं है। ये अबू जहल हिंदुस्तान में पैदा हुआ था कि सऊदीया में? कहाँ हुआ था? हिंदुस्तान में, सऊदीया में था ना अबू जहल? उदबा शैबा अबू लहब सऊदीया में थे ना? ये कौन थे? मुसलमान थे क्या? मुनाफिकीन कहाँ थे भाई? सूरह मुनाफिकीन, जिनके बारे में कुरान में पूरी की पूरी एक सूरत है जिसका नाम ही है सूरह मुनाफिकीन, सूरह मुनाफिकून। तो ये सूरत जो मुनाफिकों के, सूरह काफिरून, ये काफिरों के बारे में सूरत, ये 365 बुत कहाँ रखे हुए थे? 600 साल तक रखे रहे, काबा में थे ना? तो ये सब सऊदीया में हुआ, तो इसका क्या मतलब? सऊदीया में कुफ्र नहीं हो सकता? सऊदीया में कुफ्र भी हो सकता है, मुनाफिकत भी हो सकती है। तो ये दलील नहीं है कि सऊदीया में होता है तो वही जायज़ है जो नहीं होता। और अगर ये दलील है, अब मुद्दे की बात सुन ले इस पे इख्तिताम, अगर सऊदीया तुम्हारे लिए हुज्जत और दलील है, चैलेंज कबूल करो मेरा, किताब मैं दिखाता हूँ, तुम अपने मुल्ला से खुद बुला लो। सऊदीया के मौजूदा जो मुफ्ती और आलिम है, अभी अभी मरा जो सऊदीया का सबसे बड़ा मुफ्ती था शेख अहमद हमूद, उसने किताब लिखी अल कौलुल बलीग फी जमात तहजीर जमात तबलीग, उसने तबलीगी जमात और देवबंदियों पर कुफ्र का फतवा लगाया है सऊदीया के मुफ्ती ने। तो इसको अब कबूल कर लो कि भाई सऊदीया वालों में जो सऊदीया बोलता है वो सही है, तो सारे देवबंदी वहां भी तबलीगी कबूल कर लो कि भाई हम पे जो फतवा लगाया कुफ्र का वो भी सही है, फिर तो साथ से सारे देवबंदी फिर काफिर है। मानते हो क्या फिर इसको? इसको तो नहीं मानते। हुस्सामुल हरमैन जो इनके कुफ्र पे लाई, वो कहाँ के उलमा ने फतवे दिए थे उस दौर में? सऊदीया के उलमा ने दिए थे ना, उसको क्यों नहीं मानते फिर? वो भी तो सऊदीया के ही रहने वाले थे। तो ये फ़िरके का मामला ऐसा है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। एक आखिरी सवाल पर इस पर फिर उसके बाद सलातो सलाम और जलसे का इख्तिताम होगा। जितना वक्त मैं लिया आपसे और आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी देर तक आप दिल जमई के साथ बैठे। गालिबन 9:30 बजे से मैंने शुरू किया है, 1 बज रहा है, कितने हो गए? 1, 2, 3 3.5 घंटे बोल लिया है। तो एक आखिरी सवाल बस, एक जो शख्स ये कहे, एक शख्स ये कहता है कि मरने के बाद पीर फकीर औलिया कोई काम नहीं आते,
तो ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है? ऐसा शख्स इंतहाई बदबूदार गोबर है, गू है, पखाना, इससे दूर रहो वरना आप भी बदबूदार हो जाएंगे। ये अखबारुल अखियार है, गौस पाक का भी इंतकाल कर चुके हैं ना, हाँ, और छपी कहाँ से है? मैंने बताया देवबंदियों ने छापा है, देवबंदियों ने ही छापा है, देवबंदियों की मौलवियों ने इसको तर्जुमा किया है। ये सुनिए खुद शाह अब्दुल हक मोहद्दी से दहलवी 550 साल पहले के बुजुर्ग क्या कहते हैं। इनको ज्यादा समझता था कि आज के पाखंडी मुल्ला को ज्यादा समझता है। ये गौस पाक का कॉल नकल करते, जरा सुनिए क्या नकल करते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, सुनिए, गौसे आजम कहते हैं, कयामत तक मैं अपने मुरीदों की दस्तगीरी करता रहूंगा अगरचे वो सवारी से गिरे। और फरमाया कि जब भी अल्लाह से कोई चीज मांगो तो मेरे वसीले से मांगो ताकि तुम्हारी मुराद पूरी हो। और फरमाया जो किसी मुसीबत में मेरे वसीले से इमदाद चाहे तो उसकी मुसीबत दूर हो, और जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर पुकारे उसे कुशादगी हासिल हो, और जो मेरे वसीले से अल्लाह के सामने अपनी मुरादें पेश करे तो वो पूरी हो। ये लिखने वाला कोई बरेली का मौलाना है, आला हज़रत ने लिखा ये बात? नहीं, लिखने वाले शाह अब्दुल हक मोहद्दी से दहलवी, और शाह अब्दुल हक मोहद्दी से दहलवी से भी बहुत पहले हज़रत इमाम अब्दुल्ला याफ़ई ने अपने किताब कलायदुल जवाहिर में ये बात गौस पाक की नकल की, और उनसे भी पहले हज़रत मुल्ला अली कारी ने अपनी किताब नुज़हतुल फातिर के अंदर इसको नकल किया, और मुल्ला अली कारी से पहले चले जाइए हज़रत इमाम अबुल हसन शतनूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बहजतुल असरार में इसको नकल किया। बड़े बड़े मौतिसिन ने गौस पाक के इस कौल को नकल किया। कोई देवबंद का लाल मेरे सामने आके बोले कि ये सारे मौतिसिन बिद्दती थे, मुशरिक थे। भाई हमारा अकीदा वही है जो सलफ सालिहीन का अकीदा है, जो बुजुर्गान दीन का अकीदा है, और हम उन इमामों के अकीदे को मानते हैं जिनको तुम भी इमाम कहते हो। तुम्हारी भी औकात नहीं है कि उनके ताल्लुक से तुम कोई फतवा दे सको, क्योंकि इन्हीं की किताबें तुम भी पढ़ते हो, इन्हीं की किताबें तुम भी अपने मदरसों में रखते हो। ये फ़र्क अलग है कि तुम किताबें रखते हो, पढ़ते हो, लेकिन मानते नहीं हो, और इन बुजुर्गों की किताबों को छुपाते हो। और सब कुछ छोड़ो, ये किताब तुम्हारे देवबंद से छपी है, तो जो ऐसी किताब में ऐसी बातें लिखी है उसको देवबंदी छापे तो सबसे पहले तो देवबंद वालों पे फतवा लगाओ। तो गौस पाक का विसाल हुआ, और गौस पाक कह रहे कि कयामत तक मैं अपने मुरीदों की जो है हाजत को पूरा करूंगा, कोई मुझे पुकारे मैं उसकी हाजत को सुनूंगा। तो पीर साहब काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? भाई आ रहे हैं ना। और मैंने क्या कहा, हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल जाहिरन विसाल फरमा चुके ना, मगर सरकार ने क्या फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जो मेरी कब्र की ज़ियारत करे उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो आप हुजूर की कब्र पर जा रहे हैं, शफात का मुद्दा, शफात की बशारत मिल रही है, तो हुजूर की कब्र की ज़ियारत से, हुजूर के रोज़े पे जाने से फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, जन्नत वाजिब हो रही। तो विसाल के बाद भी अल्लाह के औलिया ये सब फ़ायदा देते हैं, और इसकी बहुत सारी दलीलें, मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ एक किताब आलत की पढ़ ले, उसका नाम है अनवारुल इंतबा फी हल निदा या रसूल अल्लाह, जिसका उर्दू तर्जुमा नाम आता है या रसूल अल्लाह, निदा या रसूल अल्लाह। ये किताब मार्केट में मिलती है, ना मिले तो नेट पर भी मौजूद है। इसमें बहुत सारी दलीलें आला हज़रत ने बयान की है। वल्लाहु आलम सुब्बा रसूल आलम, अल्लाह ताला जो कुछ बयान हुआ उसको कबूल फरमाए, और आज की इस बज़्म को हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम के लिए खड़े हो जाए।